हरे कृष्णा। शुरू करें? अच्छा, शुरू करने से पहले ये बताओ, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो कभी ना कभी बैंक गए हैं? हैंड रेस करो जरा। बैंक गए हो? अच्छा, और कौन नहीं गया है वो हैंड रेस करे जो बैंक नहीं गया। बैंक बैंक कभी बैंक गए हैं? गए हैं। अच्छा, सभी गए ना। अच्छा, और आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके बैंक में खाते हैं? चिंता ना करो, अभी हम एटीएम पिन वगैरह मांग के पैसे निकाल लेंगे, टेंशन ना लियो। अच्छा, बाकी लोगों के अकाउंट नहीं, मम्मी पापा के अकाउंट है। अच्छा, कभी ना कभी आपने बैंक में पैसे जमा किए हैं? सभी ने हैं? अच्छा, निकाले हैं कभी, विड्रॉ करे हैं? पक्का? अच्छा, जैसे मान लीजिए आपको पैसे बैंक में निकालने हैं, किसी भी बैंक से निकल आते हैं क्या? किसी भी बैंक से हम राह चलते मन किया, यहाँ गए, आगे इंडियन बैंक पड़ा, हम अंदर चले गए, लाइए 1 लाख रुपए दे दीजिए, ऐसे निकल आते हैं? नहीं। फिर कैसे निकलते हैं? जिस बैंक में आपका अकाउंट हो। ठीक है, मैंने एक काम किया, मैंने इंडियन बैंक में, बगल में है मेरे, मैंने अकाउंट खुलवा लिया और 500 रुपये डाल करके, और फिर मैं चला गया 1 लाख रुपए निकालने। आपने कहा जिस बैंक में अकाउंट है वहां से निकाल सकते हैं, तो मेरा अकाउंट खुल गया है, अब मैं 1 लाख रुपए निकाल सकता हूँ। क्यों, मना क्यों कर रहे? क्या ऐसी बात है, 500 रुपये बैलेंस है तो ऐसे थोड़ी ना 1 लाख रुपए निकाल लेंगे, है ना? अगर ऐसा होता तो आप लोग यहाँ नहीं आते, मैं पढ़ाने नहीं आता, हम सब यही करके ऐश कर रहे होते, है ना? मेहनत नहीं करनी पड़ती। अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही है। इसके अलावा जैसे बैंक में आप लोग या हम लोग जैसे इंडिविजुअल लोग जो अपना अकाउंट खुलवाते हैं वो कहलाता है सेविंग अकाउंट, कभी सुना होगा आपने। एक होता है सेविंग अकाउंट, एक और कुछ होता है, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है। क्या बात है, बड़े समझदार बच्चे। करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट क्या होता है, मतलब एक आधी लाइन में कोई बता पाए? तो जिसमें ट्रांजेक्शन रोज होता है, ठीक है। हाँ, पलक, डेली बेसिस के ट्रांजेक्शन, बिजनेस, ये ठीक है। देखिए बेसिकली बिजनेस से संबंधित हम जो भी अकाउंट खुलवाते हैं तो वो करंट अकाउंट होता है। जैसे शिक्षा एकेडमी का अगर मेरे को अकाउंट खुलवाना है तो शिक्षा एकेडमी के नाम से सेविंग अकाउंट नहीं खुलेगा, करंट अकाउंट खुलेगा। बेसिकली फर्क ये है, सेविंग अकाउंट में अगर पैसा पड़ा होता है तो बैंक इंटरेस्ट देता है, हालांकि अब वो भी रेट बड़े कम हो गए हैं, 2.5-3% कर दिया है ज्यादातर बैंक ने, लेकिन करंट अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं देता। क्यों नहीं देता, इसका सवाल का जवाब तो बैंक ही बता सकता है। और करंट अकाउंट में क्या है, ट्रांजेक्शंस की लिमिट नहीं होती, हम जितनी बार चाहें पैसे जमा करें, चेक लगा दें, ऑनलाइन ट्रांसफर कर दें या किसी और को पेमेंट कर दें। सेविंग अकाउंट में एक नॉर्मल लिमिट है, यानी व्यापार के ट्रांजेक्शंस उससे नहीं करते। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आपके नाम सामने है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, प्यार से बीआरएस बोलते हैं। और जो अपने पास कॉमर्स साइड के बच्चे हैं उन्होंने कहीं ना कहीं शायद पढ़ा होगा, ये 11th में था कि 12th में था? 11th में था। अच्छा, अगर आपने पढ़ा है तो मेरे को बस इतना बता दो कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में आप, जिन्होंने पढ़ा मैं उनसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जिन्होंने नहीं पढ़ा मैं सब समझाऊंगा, टेंशन ना लीजिए। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में आप कैश बुक के बैलेंस को चेंज करते हो कि पासबुक के बैलेंस को? ऐसा तो कुछ याद आ रहा होगा आपको कि एक कैश बुक होता था, एक पासबुक हुआ करता था, तो आप दोनों में से कौन से बुक के बैलेंस को चेंज करते हो, कैश बुक और पासबुक? ठीक है ना? और डरना नहीं, देखो 99% हो सकता है कि आप गलत जवाब दें, लेकिन 1% हो सकता है कि आप सही दे दें। और लेकिन अगर आप जवाब देंगे तो यकीन मानिए आप यहां गलत जरूर देंगे, लेकिन मैं इतना जरूर आपको सिखा के भेजूंगा कि एग्जाम में गलत नहीं होगा। और यहां पे अगर आप शर्माते रहेंगे तो फिर दिक्कत है, किसी को शर्माना हो तो मैंने ना बगल में एक अलग से कमरा बनवाया हुआ है, वहां पे आप शर्मा सकते हैं, चुन्नी वगैरह आपको दे देंगे शर्माने के लिए, तो शर्म छोड़ देते, गलत हो गए ज्यादा ज्यादा, इससे तो कुछ नहीं होगा। इसीलिए मैं बैठा हूँ यहाँ पे, क्योंकि हम लोग ने पढ़ा 11th 12th में, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद हमारी क्लियर नहीं है। अब आप जो पढ़ने वाले हैं ये आखिरी बार पढ़ रहे हैं, मतलब अब आप सीए फाउंडेशन में बीआरएस पढ़ रहे हैं, इंटरमीडिएट में थोड़ा फिर से बीआरएस पढ़ेंगे या सीए फाइनल में, तो उसमें अकाउंट्स और अवेलेबल होगी, तो एक एक चीज क्लियर करते चलते। तो कौन सा बैलेंस हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में लेके जाते हैं, कैश बुक का बैलेंस तक पहुंचते हैं कि पासबुक का बैलेंस आता है, कौन सा आता है? मतलब इससे हम क्या निकालते हैं, कैश बुक का बैलेंस पता कर लेते हैं इतना था कि पासबुक का पता कर लेते हैं, और आपके लिए प्यार से कह दें तो किसका बैलेंस चेंज करते हैं, कैश बुक चेंज कर रहे होते हैं कि पासबुक चेंज कर रहे होते हैं? चलिए मैं समझाता हूं आपको, दोनों तरीके के जवाब आए मेरे पास, मैं समझाता हूं। पहले तो ये कैश बुक क्या है और ये पासबुक क्या है उसको क्लियर करते हैं। सपोज करिए, मान लीजिए मैंने बैंक में
एक अपना करेंट अकाउंट खुलवाया मैंने, लेट से शिक्षा एकेडमी के नाम से आईसीआईसीआई बैंक में एक करेंट अकाउंट खुलवाया, और उसमें मैंने क्या किया, 10,000 रुपीज जमा कर दिए, 10,000 रुपए जमा कर दिए। बैंक में मैंने पैसे जमा किए हैं, इस चीज की एंट्री बैंक वाले मेरे को किसमें करके देते हैं, कुछ आइडिया है क्या आपको? पासबुक, वेरी गुड। यानी बैंक से मैंने कहा कि सर हमको एक पासबुक दे दीजिए, तो बैंक ने हमको एक पासबुक दे दी जिसमें बैंक ने एंट्री कर दी कि हाँ 10,000 रुपीज इनके खाते में पड़े हुए। कुछ बैंक पासबुक देते हैं, कुछ बैंक बैंक स्टेटमेंट देते हैं, दोनों एक ही चीज होती, बस अंतर ही होता है। जैसे पासबुक एक बुकलेट फॉर्म में हो गई, बैंक स्टेटमेंट प्रिंट निकाल के लूज पेपर्स में दे दिए। या आजकल तो क्या है बेटा, इंटरनेट बैंकिंग का जमाना है ना, आप ऑनलाइन कहीं से भी चेक कर सकते हैं, जब चाहे तो स्टेटमेंट निकाल लें, है ना, ऐप वगैरह है सारे बैंक की ज्यादातर निकल आती है। तो लेट से हमने बैंक से पासबुक ले ली, बैंक ने हमको एंट्री करके दे दी कि हाँ 10,000 रुपीज पड़े। लेकिन मेरे को ना बैंक पे भरोसा नहीं है, मेरे को लग रहा है यार कहीं ऐसा ना हो कि मैंने आज जमा करे हैं और कल को बैंक मुकर जाए। हमने कहा यार हमारे पास भी तो कुछ रिकॉर्ड होना चाहिए, पासबुक तो बैंक के रिकॉर्ड के लिए है भाई, पासबुक में एंट्री, पासबुक रहेगी मेरे पास बट उसमें एंट्री करने के लिए मैं ऑथराइज तो नहीं हूं, कौन ऑथराइज्ड है? बैंक ऑथराइज्ड है। तो हमने कहा साहब मेरे पास भी तो कुछ होना चाहिए, तो मैंने क्या किया अभी के लिए समझते हैं, मैंने अपनी जेब से एक डायरी निकाली, लेट से एक लाल कलर की डायरी थी मेरे पास, मैंने उसमें लिख लिया कि मैंने बैंक में 10,000 रुपीज आज की डेट में जमा करे, बैलेंस 10,000। अब मैं देख रहा हूं मेरे पास जो लाल डायरी है उसमें लिखा है कि 10,000 रुपए का बैलेंस है बैंक में, और पासबुक में देख रहा हूं तो पासबुक में भी लिखा है कि 10,000 का बैलेंस है बैंक में। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं क्या बैंक में 20,000 रुपए पड़े? कितने पड़े? 10,000 तो पड़े, ठीक है ना, यहां पे भी 10,000 पड़े, यहां पे भी 10,000 पड़े। इसके बाद क्या हुआ, नया नया अकाउंट खोला था, अब मैंने कहा यार मैं जिसको भी पेमेंट किया करूंगा ना चेक से पेमेंट किया करूंगा। मैंने कहा यार अब कैश वैश खत्म करो, मोदी जी वैसे भी कह रहे हैं कि कैश के ट्रांजेक्शंस कम होने चाहिए, बैंकिंग चैनल पे जैसे ही आ जाते हैं ना तो एक नंबर में काम ज्यादा होने लगता है ना। तो हमने कहा यार जब को जिसको भी पेमेंट करेंगे ना हम बैंकिंग ट्रांजेक्शन से करेंगे, या तो ऑनलाइन ट्रांसफर या चेक वगैरह। लेट से हमसे कोई पेमेंट मांगने आया, 1,000 रुपए का पेमेंट था, हमने क्या किया हमने ना उसको चेक काट के दे दी, चेकबुक थी बढ़िया अमिताभ बच्चन की तरह हमने साइन करे और 1,000 रुपए की उसको चेक दे दी, उसको चेक दी, वो जाने लगा, हमने कहा रुको रुको रुक जाओ एक मिनट। हमने अपनी लाल डायरी निकाली, हमने लाल डायरी में लिखा कि हमने इनको शाहरुख खान को लेट से 1,000 रुपए की चेक दी, और बैलेंस कितना लिख लिया आपका, कितना बैलेंस बचा? 9,000, और हमने उसको वो चेक दे दी, वो चला गया। इसके बाद क्या हुआ, हमने अपनी साइकिल स्टार्ट करी, बाइक स्टार्ट करी, कार स्टार्ट करी, और हम पहुंच गए बैंक पासबुक लेके। हमने बैंक से कहा, हमने कहा बैंक इसमें जरा एंट्री कर दो, मेरी बुक में कितना था? 9,000। हमने कहा भाई इसमें एंट्री कर दो, अभी हमने चेक किसी को दी है 1,000 रुपए की, आप भी इसमें कम कर दो, 1,000 रुपए आप भी इसमें लिख दो, कितना बचा? 9,000। बैंक ने पासबुक देखी, अकाउंट नंबर डाला अपने सिस्टम पे, बैंक में एक सुंदर सी मैडम बैठी नहीं, कहनी सर अभी 10,000 बैलेंस है। हमने कहा अरे मैम कैसी बात कर रही हैं, अभी शाहरुख खान को हमने 1,000 रुपए की चेक दी है, आप देखिए मेरी लाल डायरी में हमने लिख लिया है, अब मेरे पास 9,000 बचे, आप लोग अपना नुकसान कर लेंगे बैंक वालों, आप भी कम कर लो, 1,000 कम कर लो, कितने बचे होने चाहिए? 9,000। वो मान नहीं रही, करी सर ऐसा नहीं होता, ऐसे कम नहीं होता। हमने कहा मतलब फिर क्या होगा? करी सर आपने शाहरुख खान को चेक दी, अब शाहरुख खान जब ये चेक बैंक में प्रेजेंट करेंगे पेमेंट के लिए, बैंक से जब ये चेक क्लियर होगी तब हमारे यहां पे एंट्री होगी, शाहरुख खान जब ये चेक प्रेजेंट करेंगे तब हमारे यहां पे एंट्री होगी, तब जाकर के आपके 1,000 रुपए यहां से कम होकर 9,000 दिखाई देगा, अभी शाहरुख खान ने बैंक में प्रेजेंट नहीं करी, और आमतौर पर हो सकता है 1-2-3 दिन का समय लग जाए क्लियर होने में। हमने कहा अच्छा ठीक है, हमने कहा नॉर्मली बैंक से पूछा तो करी हो जाती 3-4 दिन में, हमने कहा ठीक है हम आ गए वापस। 3-4 दिन बाद हम फिर गए, हमने कहा लो अब एंट्री कर दो, 1,000 रुपए की हमने चेक दी थी, काम और कुछ है नहीं, व्यापार चल नहीं रहा, हमने कहा साहब इसी में एंट्री कर दो जरा। उसने फिर सिस्टम पे देखा, उसने कहा अभी भी 10,000 रुपए पड़े। हमने कहा मैम कैसी बात कर रही है, आज 4 दिन हो गए, आपने 3 दिन बोला था, बल्कि हम 1 दिन का मार्जिन और लेके आप तो क्लियर हो जानी चाहिए चेक। कह रहे नहीं अभी भी 10,000 है।
कह रही उस बंदे ने चेक लगाई नहीं अभी, शाहरुख खान ने अभी तक चेक लगाई नहीं। मैंने कहा यार ये तो बड़ा बदतमीज इंसान है। हमने शाहरुख खान को फोन किया, हमने कहा शूटिंग में तो नहीं हो? हमने कहा ये बताओ 1000 रुपए की हमने तुम्हें चेक दी थी? कह रहा हाँ हाँ। हमने वो चेक कहाँ है? कह रहा मेरी जेब में पड़ी। मैंने कहा नालायक हो क्या? हमने कहा फटाक से जाओ बैंक और वो चेक लगा करके आओ। शाहरुख खान कह रहा है अरे आपसे क्या मतलब है, आपने अपना पेमेंट दे दिया, अब मैं आज लगाऊं चेक कल लगाऊं, आप क्या मेरे को फोर्स कर सकते हैं? नहीं, बेसिकली चेक में ना आज की तारीख में 3 महीने का समय होता है, फ्रॉम द डेट ऑफ चेक 3 महीने तक वो चेक वैलिड होती है, उसके बाद वो चेक स्टेल हो जाती है, स्टेल चेक बेकार हो जाती है। जिनका हम लगा लेंगे बाद में, अभी थोड़ा बिजी चल रहे, निकल लियो, मान ही नहीं रहा। और उसने अभी तक चेक लगाई नहीं। और हुआ क्या, तब तक 31 मार्च आ गया, 31 मार्च, 31 मार्च को मैं अपनी बुक्स क्लोज करता हूं। जैसे हम लोग अकाउंट्स पढ़ेंगे ना अकाउंटिंग में, तो कहीं कहीं पे अकाउंट्स में क्वेश्चन दिया होगा कि जो क्लाइंट है, क्लाइंट समझते हो ना, जो जिसके नाम पे क्वेश्चन दिया, या तो वो अपने यहां अप्रैल टू मार्च फॉलो करता होगा या जैन टू दिसंबर। प्रैक्टिकल जीवन में तो आज की तारीख में ज्यादातर लोग अप्रैल टू मार्च फॉलो करते हैं, रीजन बीइंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वही फॉलो करता है, तो अगर हम जैन टू दिसंबर फॉलो करेंगे तो फिर हमें डबल बुक्स बनानी पड़ेगी, तब फिर कोई लेना नहीं चाहता। लेकिन थियोरेटिकल जीवन में तो हमें जो दिया होगा वो कर लेंगे। तो लेट्स से हम अपनी 31 मार्च को बुक्स क्लोज करते हैं। बुक्स क्लोज करने का मतलब समझते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, पीएनएल बैलेंस शीट्स, ठीक है ना। 31 मार्च आ गया, 31 मार्च तक उसने वो चेक लगाई नहीं थी बैंक। अब 31 मार्च को जब मैं अपनी बुक्स में बैलेंस देख रहा हूं, अपनी वो जो लाल डायरी आपको सिखाया, ये लाल डायरी ना कहीं लिख के नहीं आना, थोड़े तो आप समझदार हो ना, मेरी जो मैं आपसे हर चीजें बहुत सारी चीजें समझाने के लिए बहुत अलग अलग एग्जाम्पल्स लूंगा, हर एग्जाम्पल कंट्रोल सी कंट्रोल वी नहीं करना है वहां पे, मतलब समझ गए, कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपको अपना दिमाग भी लगाना है। तो लाल डायरी नहीं, कुछ अपनी बुक्स बोलते हैं उसको कैश बुक, अभी तो आपको समझा रहा हूँ, दिमाग में बैठ गए। तो मैंने अपनी लाल डायरी देखी, यार मेरी बुक्स में लिखा है 9000, बैंक की पासबुक देख रहा हूं उसमें लिखा है 10000। अब मैं बना रहा हूं अपनी बुक्स, आपको बताया कि बैलेंस शीट में एसेट साइड में बैंक का बैलेंस आता है, सबको पता है हमको, है ना, एसेट साइड में हम दिखाते हैं ना कि कैश एट बैंक कितना है, बैंक का बैलेंस कितना है। अब मैं बड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं कि मैं बैलेंस शीट में कितना लिखूं, मैं जो 9000 मेरी लाल डायरी में दिखाई दे रहा है बैंक बैलेंस वो बैलेंस शीट में लिखूं, कि मैं बैलेंस शीट में 10000 लिखूं, 10000 कौन सा, जो पासबुक में, कि दोनों का मिला के लिख देते 19000, कि ना तुम्हारी ना हमारी एवरेज कर देते 9000 प्लस 10000 डिवाइड बाई 2, ऐसा कर लें 9500 लिख दें। नहीं देखो एवरेज तो नहीं होने वाला और 19 भी नहीं लिखने वाले, इतने आप समझदार है, लेकिन मेरा जो डाउट है वो ये है फिर कौन सा लिखें, कैश बुक का बैलेंस लिखें बैंक बैलेंस, ये एक बड़ा बेसिक है। देखिए आप बचपन में जो बच्चे बीआरएस पढ़ रहे हैं, साइंस साइड वाले बच्चे देखिए, आप देखते रहिएगा पूरी क्लासेस में, अभी क्या होता है ना, अभी अंदर से फीलिंग होती है कि हम साइंस साइड के हैं, इनको ज्यादा आता है उनको कम आता है, मैं सब प्रूफ कर दूंगा कि सब बराबर है, सब नलायक है, टेंशन नहीं लीजिएगा। हाँ तो पहले तो ये होता कंफ्यूजन है ना, ये कभी डाउट आया ही नहीं दिमाग में कि भाई हम बैलेंस शीट में, आप बैलेंस शीट इतनी बना के आए होंगे, फाइनल अकाउंट्स बना के आए होंगे 11th 12th में, था चैप्टर की कटवा दिया था ना, कोरोना वाला बैच तो नहीं हो ना आप लोग, बीच में कोरोना वाले बैच आए थे, कहते थे ये नहीं पढ़ा, जनरल एंट्री कटवा दिया, लेजर नहीं कटवाया, हमने करके क्या आए हो फिर तुम, हाँ आपका कोविड वाला था तो ये सब नहीं पढ़ाया गया, हाँ स्कूल में एग्जाम नहीं हुए और कोचिंग पढ़ाई, कोचिंग में फिर पढ़ाई नहीं हुई होगी, ऑनलाइन तो ऑनलाइन तो पढ़ ही नहीं रहोगे ना, है ना, फीस दी होगी, मतलब ये बताओ ना। खैर कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं, हमको जिन्होंने पढ़ा है या जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है तुक्का मार के बताओ कि बैलेंस शीट में बैलेंस आएगा भी बैंक का कि नहीं आएगा, पहले तो बताओ आएगा ना, कौन सा बैलेंस आएगा, अच्छा कोई एक ही आएगा, क्योंकि देखो बैलेंस शीट आपको बताया टैली होती है, लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड दो साइडें जो हैं वो टैली होती हैं, तो टैली तो ऐसा नहीं कि 10000 लिख देंगे तो भी टैली हो जाएगी या 9000 लिख देंगे तो भी टैली हो जाएगी, टैली तो किसी एक ही फिगर से होगी। तो पहला डाउट तो मेरा ये है कि बैलेंस शीट में आखिर कौन सा बैलेंस आता है, पासबुक और कैशबुक, कैशबुक मतलब वो लाल डायरी जो मेंटेन कर रहे हैं, पासबुक जो बैंक स्टेटमेंट में दिखाई दे रहा है कि हां 31 मार्च को 10000 का बैलेंस बैंक में पड़ा है। आप समझ गए क्वेश्चन मेरा क्या है, तो एक एक करके दोनों लोग का हम राय जान लेंगे। सबसे पहले वो बच्चे जो पासबुक कह रहे हैं, ठीक है ना,
ज्यादातर पासबुक वाले, ठीक है। और कैशबुक वाले, कैशबुक का बैलेंस आता है? कोई नहीं, सभी पासबुक कह रहे हैं। यानी बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो हम कितना बैलेंस दिखाएंगे वहां पे? 10,000। क्लियर? सभी बच्चे गलत कह रहे, सबके सब नालायक है। बैलेंस शीट में हमेशा हमारी बुक्स का जो बैलेंस है वो आता है, हमारा जो कैशबुक में बैंक का बैलेंस दिख रहा है वो आता है। हम उनकी बुक्स का बैलेंस नहीं लिख सकते, पासबुक का बैलेंस नहीं आएगा। बैलेंस शीट में 9,000 आएगा, 10,000 नहीं आएगा। अगर हमने 10,000 लिख दिया तो बैलेंस शीट आउट हो जाएगी। बैलेंस शीट मैच होती है ना, वो मैच होने का चक्कर क्या है? कोई मैजिक है, काला जादू, ब्रह्मा जी का साक्षात आशीर्वाद है? देखिए साहब, ऐसा कुछ नहीं है। बैलेंस शीट मैच जो हो रही है आपकी, ये आप ही करा रहे हैं। आप बताएं कैसे करा रहे हैं? आप जो अकाउंटिंग में जनरल एंट्री पास कर रहे हैं, ये ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं, डबल एंट्री सिस्टम जिसको आप बोलते हैं। यानी एक चीज आप डेबिट करते हैं तो दूसरी चीज क्रेडिट करते हैं, उतने ही सेम अमाउंट से करते हैं। तो जब आपने किसी को चेक दी थी, आपने 1,000 रुपए शाहरुख खान को पेमेंट किया था, तो आपने शाहरुख खान अकाउंट डेबिट टू बैंक ऐसी एंट्री पास करी होगी ना, 1,000-1,000 से शाहरुख खान का अकाउंट डेबिट किया होगा टू बैंक अकाउंट 1,000-1,000, ये किया होगा ना, चेक किसी को दी। अब जब आपने ये किया तब आपके बैंक में 9,000 का बैलेंस यहां पे दिखा रहा है आपकी बुक्स में। अगर हम बैलेंस शीट में 10,000 लिख देंगे तो बैलेंस शीट आउट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि शाहरुख खान का अकाउंट भी तो है, उसको भी तो डेबिट किया था। तो सबसे पहली बात, हम बैलेंस शीट में पासबुक का बैलेंस नहीं लिखते हैं। हम कौन सा बैलेंस लिखते हैं बेटा? कैशबुक का। लॉजिक समझ में आ गया? पासबुक का कभी नहीं लिखते। तो बैलेंस शीट में कैशबुक का बैलेंस लिखा गया 10,000 रुपीज, और बैलेंस शीट हो गई टैली। बैलेंस शीट बढ़िया मस्त टैली हो गई, टैली हो जाएगी। कैशबुक का बैलेंस लिखेंगे और कोई गलती नहीं है, टैली हो गई। बाद में क्या हुआ? ऑडिटर आए। ऑडिटर कौन? आप लोग सीए कर रहे हैं ना, तो सीए करने के बाद है ना, या तो प्रैक्टिस में जाएंगे या जॉब में जाएंगे। प्रैक्टिस जॉब समझते हैं ना थोड़ा बहुत, हाँ। तो ऑडिट होता है, समझते ना, बहुत डेप्थ में नहीं जा रहा। ऑडिटर आया ऑडिट करने के लिए, ऑडिटर ने बुक्स मांगी, हमने बुक्स दे दी। हमने कहा सर ये है बैलेंस शीट, पीएनएल सब। उसने बैलेंस शीट देखी, बैलेंस शीट में बैंक का बैलेंस देखा, 10,000 रुपीज लिखा था। उसने कहा सर बैंक स्टेटमेंट दीजिए, यानी पासबुक, एज ऑन 31 मार्च कितना बैलेंस पासबुक में था। हमने पासबुक में बैलेंस दिया, उसमें लिखा था 10,000। ऑडिटर कह रहा है ये क्या है सर, बैलेंस शीट में तो 9,000 आप दिखा रहे हैं, पासबुक का बैलेंस 10,000 है, आप तो फ्रॉड कर रहे हैं भाई। अभी 9,000 और 10,000 आपको फिगर छोटी लग रही है, अभी इसी को 9 करोड़ 10 करोड़ कर दो, है ना। हमने शाहरुख खान को 1 करोड़ की चेक दी थी, पहले 10 करोड़ पड़ा था, 1 करोड़ की चेक दी, तो मेरे बुक्स में दिख रहा है 9 करोड़, बैंक में दिख रहा है 10 करोड़। अब ज्यादा दिख रही ना, समझाने के लिए मैं छोटी फिगर से लूंगा, लेकिन छोटे को मतलब ये ना समझना, प्रैक्टिकल जीवन में तो कोई भी फिगर हो सकती है। तो बैंक, वो ऑडिटर साहब कह रहे कि भाई बैंक में तो बैलेंस आ रहा है 10,000, आप दिखा रहे हो 9,000, तो ये तो फ्रॉड कर रहे हो। पहले तो ये तो फ्रॉड है कि नहीं, क्या ये फ्रॉड है, यस और नो? है भाई, फ्रॉड तो हमने कोई किया नहीं। हमने बैंक को, हमने भाई ऑडिटर साहब को समझाया कि भैया देखिए फ्रॉड नहीं है, बैंक में बैलेंस 10,000 आ रहा है, मेरी बुक्स में 9,000 आ रहा है, बट उसका जस्टिफिकेशन है मेरे पास। ऑडिटर साहब ने पूछा क्या जस्टिफिकेशन है? हमने कहा सर देखिए है क्या, हमने ना 25 मार्च को एक चेक इशू करी थी शाहरुख खान को, लेट से 1,000 रुपए की चेक मैंने 25 मार्च को शाहरुख खान को दी थी, जो शाहरुख खान ने अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं करी पेमेंट के लिए। इसीलिए बैंक का जो बैलेंस पासबुक में दिख रहा है एज ऑन 31 मार्च वो दिख रहा है 10,000, बट हमने तो सर जब चेक दी 25 मार्च हमने तो अपनी बुक्स में तभी एंट्री कर दी भाई। हम थोड़ी ना एंट्री करने के लिए, जनरल एंट्री पास करने के लिए रुकेंगे कि जब क्लियर हो जाए तब हम एंट्री करें, ऐसा नहीं होता। हम तो एक्रूवल बेसिस पे चलते हैं। एक्रूवल बेसिस में एज एंड व्हेन ट्रांजैक्शन अकर्स। अगर आप स्कूल कभी गए हो है ना, कभी टीचर बोल रहा हो और आपने उसकी देखा हो, बुक कभी खोली हो, ऐसी एक लाइन होती है ना, जनरल एंट्री होती है एज एंड व्हेन ट्रांजैक्शन अकर। तो हमने तो सर जनरल एंट्री कर ली 25 मार्च को जब हमने चेक दी, जब हमने जनरल एंट्री कर ली तो मेरी बुक्स में हो गया 9,000 बैलेंस, बैंक में अभी तक चेक प्रेजेंट नहीं हुई इसलिए आ रहे 10,000 बैलेंस। तो सर इसमें मेरी गलती तो है नहीं, मेरी गलती है या सर नो? मेरी गलती नहीं है। ऑडिटर कह रहा है फिर किसकी गलती है? ऑडिटर कह रहा है जब आपकी गलती नहीं है तो किसकी गलती है?
मेरी गलती है कि नहीं, पहले तो ये बताओ। नहीं तो किसकी गलती है? दो ऑप्शन, बैंक वालों की गलती है कि शाहरुख खान की गलती है। मेरी गलती तो नहीं है ना कि तीन ऑप्शन डाल दे, मेरी गलती, बैंक वालों की गलती कि शाहरुख खान, मेरी गलती वाले कोई नहीं, हम गलती करते नहीं, ठीक है। बैंक वालों की गलती, वो भी कोई नहीं, पक्का कोई नहीं, बैंक की कोई गलती नहीं। शाहरुख खान वालों की गलती, वो जो हाथ नहीं उठा रहे वो सत्संग में आए, या उनका कोई और जवाब है? नन ऑफ दी अबव टाइप। अच्छा तो फिर क्या नन ऑफ दी अबव, तो मतलब उसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए। कह रहे किसी की गलती नहीं है। अच्छा ये कितने बच्चे कह रहे किसी की गलती नहीं है? कुछ तो बिन पेंदी के लोटे हैं दोनों तरफ। अच्छा वैसे हम लोग जिस समाज में रहते हैं किसी ना किसी की गलती तो हम लोग निकाल ही देते हैं ना, भले गलती हो या ना हो, कि तुम्हारी गलती थी। खैर देखिए सच ये है कि यहां पे अगर हम देखें तो एक्चुअली किसी की गलती नहीं, ना शाहरुख खान की गलती है, ना बैंक की गलती है, ना मेरी गलती है। मेरी गलती नहीं है, आपको समझ आ रहा है, बैंक की गलती नहीं, शाहरुख खान की भी गलती नहीं है यार, उसने अभी चेक नहीं लगाई, लगा देगा 10 दिन बाद, उसको पेमेंट मिल गया है, चेक मिल गई, लगा देगा बाद में। अभी बीवी मायके गई हुई, एंजॉय कर रहा है लाइफ को, लगा देगा जब आ जाएगी वो। आप समझ रहे हैं बात को? किसी की गलती नहीं है, गलती है तो केवल हालात की कि भाई उसने अभी चेक लगाई नहीं, इसलिए ये डिफरेंस आ रहा है। तो हमने जब पूरा ऑडिटर साहब को समझा दिया कि सर ये गलती आप देख रहे हैं कहीं नहीं, कहीं कोई मिस्टेक है, कोई फ्रॉड है, कोई फ्रॉड नहीं, ऑडिटर समझ गए कि हाँ आप बात तो सही कह रहे हैं कि सर 9,000 इसलिए आ रहा है, 10,000 उसलिए आ रहा है। आप समझ गए ना? ऑडिटर साहब ने हमसे कहा कि सर एक काम करिए, उनका बताइए, उन्होंने कहा सर एक प्लेन पेपर लीजिए। हमने कहा ठीक है, हमने एक प्लेन पेपर लिया। उन्होंने कहा सर इस पे ऊपर हेडिंग डालिए बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। हमने कहा स्पेलिंग बताते जाइए, उन्होंने स्पेलिंग बताई और हमने लिख लिया। हमने कहा कह रहे सर अब लिखिए ऊपर बैलेंस एज पर कैश बुक। हमने कहा लिख दिया बैलेंस एज पर कैश बुक। कह रहे कितना लिखेंगे, कितना लिखें? 9,000, ठीक है। कह रहा थोड़ी जगह छोड़िए, हमने थोड़ी जगह छोड़ दी। कह रहा उसके नीचे लिखिए जगह छोड़ के, थोड़ी सा 4-5-6 लाइनें जितनी भी छोड़नी है लिखिए नीचे बैलेंस एज पर पासबुक। हमने लिखा बैलेंस एज पर पासबुक, कितना लिखे? 10,000। हमने कहा ठीक है। कह रहे दोनों में डिफरेंस तो है ही, 9,000 और 10,000, 1,000 का डिफरेंस है। और ये डिफरेंस का कारण क्या है? डिफरेंस का सिंपल कारण है कि हमने किसी को चेक इश्यू करी लेकिन उसने बैंक में प्रेजेंट नहीं करी। तो उसने कहा आप क्या करिए सर, आपने जहां लिखा है बैलेंस एज पर कैश बुक 9,000, वहां पे उसके नेक्स्ट लाइन में लिखिए एड एड, वो प्लेन पेपर सादे पेपर में लिख रहे हैं, एड चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इश्यूड, हमने चेक इश्यू करी किसी को दी बट उसने अभी प्रेजेंट नहीं करी। हमने कहा फिर से बोलो क्या लाइन बोली आपने? चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने कहा ठीक है, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 1,000 रुपए, 9,000 प्लस 1,000 तो पासबुक के बराबर दिखने लगा, कितना? 10,000। कह रहा नीचे एक काम करिए सर अपने साइन करिए, हमने साइन कर दिए। कह रहा अपनी फॉर्म की मोहर लगा दी, हमने मोहर लगा दी। कह रहा एक कॉपी आप रख लीजिए, एक कॉपी हमको दे दीजिए डॉक्यूमेंट्स में रखने के लिए, कि एज अ ऑडिटर कल को हमसे कोई पूछेगा तो हम दिखा तो सकते हैं ये है। हमने कहा ठीक है सर, दे दिया। आपसे मैं इतना पूछना चाह रहा हूं कि मैंने ये जो BRS बनाया एक स्टेटमेंट पेपर, इसमें मैंने कैशबुक को चेंज किया है कि मैंने पासबुक को चेंज किया? किसके बैलेंस को मैंने चेंज किया है? क्वेश्चन अब समझ में आ गया होगा आपको। तो मैंने कैशबुक को चेंज किया है कि मैंने पासबुक को? क्वेश्चन समझ में आया? तो कितने लोग कह रहे मैंने कैशबुक के बैलेंस को चेंज किया है? ओके और कितने लोग कह रहे मैंने पासबुक के बैलेंस को चेंज किया? कैशबुक वाले में सब तो थे नहीं, कैशबुक वाले फिर से एक बार हाथ उठाओ। आप मोहतरमा फिर आप क्या कहना चाहते हैं? आंसर, दोनों में किसी में चेंज नहीं किया, क्यों? क्या बात है, तालियां होनी चाहिए आपके लिए, क्लैपिंग। सच्चाई यह है कि हमने भाई साहब ना कैशबुक के बैलेंस को चेंज किया, ना पासबुक के बैलेंस को चेंज किया, हमने दोनों में से किसी भी बैलेंस में छेड़खानी नहीं करी। हमने तो सिंपली एक प्लेन पेपर में यह बता दिया कि दोनों में अगर डिफरेंस है तो उसका कारण ये है, कॉजेज ऑफ डिफरेंस ये है। तो एक जो हमारे
टाइम पे, मतलब आपके टाइम पे स्कूल पे जो मिथ होता है वो ये होता है कि कैश बुक चेंज करें कि पासबुक चेंज करें। तो पहली चीज, हम ना कैश बुक चेंज कर रहे होते हैं, हम ना पासबुक चेंज कर रहे होते हैं, हम सिंपली ये बता रहे होते हैं कि ये जो डिफरेंस है ये इस वजह से है। एक बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए घर पे आपको मम्मी पापा किसी ने 100 रुपीज दिए कि जाओ ब्रेड और बटर ले आओ। आप मार्केट से गए और ब्रेड और बटर ले आए, आपने घर पे लाके मम्मी को दे दी, ये लो ब्रेड, ये लो बटर और ये लो 10 रुपए बचे हुए। मम्मी का 10 रुपए, आपने कहा। मम्मी ने कहा ब्रेड कितने की आई, आपने कहा 30 रुपए की। बटर कितने का आया, आपने कहा 50 रुपए का। मम्मी ने कहा 10 रुपए, आपने कहा दिए तो। मम्मी कह रही नहीं नहीं 10 रुपए, आपने कहा दे तो दिए, 50 की वो आई, 30 की वो आई, 10 कितने बचने चाहिए थे, 20। मम्मी कह रही 10 और दो, वो 10 का है, आपने कहा 10 की तो हम चॉकलेट खा गए। अब मम्मी क्या करेंगी, पहला ऑप्शन पेट चीर के निकाल लेंगी, पेट चीर के निकालेंगी, नहीं वो तो चॉकलेट गई, अब तो केवल एक रिकंसिलेशन आपने दे दिया कि वो 10 गए कहां। तो उनको समझ में आ गया, हाँ ठीक है बच्चे ने चॉकलेट खाई है। रिकंसिलेशन सिंपली मींस कि हम दो डिफरेंसेस को मिला रहे, हिंदी मतलब है मिलान करना, हम दो डिफरेंसेस का जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, मिला रहे हैं। तो कई बार कैश बुक के बैलेंसेस एंड पासबुक के बैलेंसेस में डिफरेंस होता है, उन डिफरेंसेस के कारणों को हम लोगों तक बताते हैं, पहुंचाते हैं, वो बताने का तरीका है बीआरएस। अब बात यह आती है सर कि बच्चों को यह कंफ्यूजन होती है, जैसे अभी तो मैंने आपको कहा कि बैलेंस एज पर मैंने कैश बुक लिखा 9,000 और मैंने ऐड कहा कि ऐड चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कंफ्यूजन ये होगी कि हम ऐड करें कि हम लेस करें, तो क्या सर हम ये रट लें। आंसर इज नो। इसका बड़ा सिंपल तरीका है, अगर हम कॉन्सेप्चुअली चलेंगे तो हमारा सब कुछ क्लियर होगा। सबसे पहली चीज, जरा सभी बच्चे दोनों हाथ ऐसे कर लीजिए, चिंता ना करिए, ताता तैया नहीं खेलने वाले, ठीक। अपन क्या करते हैं, एक हाथ को ना कैश बुक का बैलेंस मान लेते हैं। कौन से हाथ को, सभी लोग एक को करें, इधर वाला, मतलब मेरा लेफ्ट है तो आप सबका राइट हो जाएगा, तो इधर करिए, ऐसे करिए, ऐसे बगल वाले थप्पड़ ना मारिएगा, ठीक है। और इसको पासबुक का मान लेते हैं। अब देखिए जरा, अभी क्या है, जैसे ही मैंने 10,000 रुपए जब जमा करे थे बैंक में, तो मैंने पासबुक में भी एंट्री हो गई थी और कैश बुक में भी 10,000 था, यानी ये दो दोनों बैलेंसेस मिले हुए थे, बराबर पे थे, मिले थे। फिर मैंने क्या किया, मैंने एक चेक इशू कर दी 1,000 रुपए की। मैंने जैसे ही चेक इशू करी 1,000 रुपए की, वैसे ही क्या किया होगा, मैंने कैश बुक के बैलेंस को मैंने कम कर लिया, अपनी बुक्स को भी, बीआरएस की बात ही नहीं कर रहे, अपनी बुक्स के बैलेंस को कम कर लिया। और उस बंदे ने कम करो कैश बुक के बैलेंस को, हाँ कौन सा कम करें, कैश बुक वाला, हाँ, आप लोग का राइट हैंड, ठीक है मेरा लेफ्ट, ठीक। तो कैश बुक के बैलेंस को कम कर लिया, और उस बंदे ने जो ईयर क्लोजिंग था, जो बुक्स की क्लोजिंग थी 31 मार्च, वहां तक बैंक में प्रेजेंट नहीं करी, यानी बैंक में भी कम नहीं हुआ, और मेरा साल खत्म हो गया, ईयर क्लोज हो गया है। अब हम बीआरएस बना रहे हैं, यानी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि डिफरेंस क्यों है। अब बीआरएस अगर हम बनाएंगे तो या तो जैसे अभी हमने ऊपर आपको बताया कि हमने सबसे ऊपर हेडिंग लिखी बीआरएस और उसके नीचे लिखा बैलेंस एज पर कैश बुक, यानी स्टार्टिंग पॉइंट रखा बैलेंस एज पर कैश बुक बीआरएस में, और एंड पॉइंट पे पहुंचे बैलेंस एज पर पासबुक। हम वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, दोनों ही ठीक होते हैं, यानी हम ये भी कर सकते थे कि स्टार्टिंग पॉइंट रखते बैलेंस एज पर पासबुक और नीचे बैलेंस एज पर कैश बुक, मतलब ऐसा कोई नहीं है कि कैश बुक से चल के पासबुक में पहुंचना, ऐसा कुछ नहीं होता। तो अगर हम बैलेंस एज पर कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट रख रहे हैं तो हम क्या करें, प्लस की माइनस ऐसे समझते हैं, यानी बैलेंस एज पर कैश बुक रख रहे, यानी कैश बुक से चल के पासबुक तक पहुंचना है, कैश बुक से चल के पासबुक तक पहुंचना है, तो बीआरएस में क्या करके दिखाना पड़ेगा, प्लस, ऐसे समझेंगे। कैश बुक से चल के पासबुक तक पहुंचना है, करो पासबुक का वैसे ही रखना, कैश बुक चल के पासबुक तक पहुंचना है तो प्लस, यानी जब हम लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक 9,000, एड चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 1,000, दैट मींस नेक्स्ट लाइन में बैलेंस एज पर पासबुक 10,000। और अगर उल्टा करते, हम चालू करते स्टार्टिंग पॉइंट रखते सेम ट्रांजेक्शन, बट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बीआरएस हम स्टार्टिंग पॉइंट रखते बैलेंस एज पर पासबुक। अगर बैलेंस एज पर पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट रखते हैं, इसमें लिखते बैलेंस एज पर पासबुक 10,000, तो इस 1,000 का क्या करते, पासबुक से चल के कैश बुक में पहुंचना है, पासबुक से चल के तो क्या करना पड़ेगा, माइनस। हम हर ट्रांजेक्शन को ऐसे ही एनालाइज करेंगे, जब ऐसे एनालाइज करेंगे ना तो होगा क्या, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, एग्जाम में जैसा भी ट्रांजेक्शन आएगा आप कभी गलत नहीं कर पाएंगे।
ठीक, और समझते हैं, और समझते हैं। आज की तारीख में क्या है बेटा, बैंकिंग बड़ी महंगी हो गई है। सर मतलब? आजकल ना बैंक ना बहुत चार्जेस लगाता है, हर चीज के चार्जेस, एटीएम चार्जेस, डेबिट कार्ड चार्जेस। आपने कभी देखी है अगर आपके अकाउंट है ना, स्टेटमेंट के लिए चार्जेस, स्टेटमेंट प्रिंटिंग चार्जेस लगा देता है, एसएमएस चार्जेस लगा देता है, सांस ले ली उसके चार्जेस लगा देता है, चेक बाउंस हो गए उसके चार्ज, हर तरीके के चार्जेस लगा रहे हैं। बैंकिंग बड़ी महंगी हो गई। बैंक जब ना चार्जेस लगाता है तो साहब हमको ना बाद में पता चलता है, हमको बाद में, मतलब हमसे पूछता तो है नहीं कि अग्रवाल जी आपके अकाउंट में हम चार्जेस लगा रहे हैं, लगा लें। हमसे पूछे तो कतई हम मना कर देंगे, हिम्मत मत कर लेना। अच्छा हमसे पूछता नहीं है, हमको तो बाद में जब हम बैंक स्टेटमेंट या पासबुक देखते हैं तब हमें पता चलता है कि बैंक वालों ने क्या कर दिए, चार्जेस लगा दिए। अब जाहिर सी बात है, मान लो फॉर एग्जाम्पल बैंक वालों ने 100 रुपए के चार्जेस लगाए। अब जरा इधर करना दोनों हाथ ऐसे, ये कैशबुक ये पासबुक दोनों मैच है, मान लेते हैं भी मैच है। बैंक ने जैसे ही 100 रुपए के चार्जेस लगाए वैसे ही पासबुक का बैलेंस क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। हमारे पास कोई इंटीमेशन थी नहीं तो हमने कुछ किया नहीं। अगर हम कुछ कर देते, अगर हम भी अपने एंट्री पास कर देते, अगर हमें पता जैसे ही चलता बुक्स क्लोज होने से पहले ही अगर हम ये एंट्री पास कर देते बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अपनी बुक्स में, तो हमारे में भी कम हो जाता, कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन हमने क्या किया, हमने कोई एंट्री पास करी नहीं, समझ रहे ना? अब हमने एंट्री पास की नहीं, साल क्लोज हो गया, अब बैंक ने चार्जेस लगाए, अब हम बीआरएस बना रहे हैं। अगर कैशबुक स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट समझ गए हम क्या बोलना चाह रहे हैं, कैशबुक में ऊपर अगर बैलेंस एज पर कैशबुक लिखा है, मतलब बीआरएस में ऊपर अगर बैलेंस एज पर कैशबुक लिखा है, तो क्या करके दिखाएंगे बीआरएस में, बैंक चार्जेस को लेस करेंगे कि ऐड करेंगे? लेस करेंगे भाई, कैशबुक से पहुंचना है पासबुक तक तो क्या करेंगे, लेस करके बीआरएस में दिखाएंगे। और अगर हमने पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट रखा तो बीआरएस में पासबुक से चल के जो स्टार्टिंग पॉइंट है हम उस हाथ को ऊपर नीचे करेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि हमें प्लस करना है कि हमें माइनस करना है। नॉर्मली क्या होता है प्रैक्टिकल जीवन में, आपको प्रैक्टिकलिटी भी सिखाता चल रहा हूं है ना, दो जीवन होते हैं, एक थ्योरेटिकल जीवन होता है एक प्रैक्टिकल जीवन होता है, दोनों साथ में चलने चाहिए। प्रैक्टिकल जीवन में क्या होता है, जब हम लोग किसी की बुक्स बनाते हैं, ऑडिट करते हैं या अपनी बुक्स बनाते हैं या किसी को राय देते हैं, तो क्या करते हैं, सुनिए, हम लोग 31 मार्च को या एक दो दिन पहले ही बैंक स्टेटमेंट अपडेट करा लेते हैं, और उसमें जो इस तरीके के चार्जेस वगैरह लगे होते हैं ना, बैंक चार्जेस और इस तरीके की चीजें, वो हम अपने एंट्री पहले ही पास कर लेते हैं बुक्स क्लोज होने से पहले, क्योंकि वो एंट्री तो हमें पास करनी ही पड़ेगी ना, आज नहीं करेंगे तो कल करनी पड़ेगी, कल नहीं करेंगे तो परसों पर करनी पड़ेगी। बैंक ने चार्जेस लगाए, बैंक ने तो अपनी पासबुक कम कर दी, अब अगर हम बीआरएस में उसको डाल देंगे तो क्या इससे मेरी कैशबुक चेंज हो जाएगी? आंसर इज नो। बीआरएस में आपको सिखाया कि बीआरएस से ना कैशबुक चेंज हो रही है ना पासबुक चेंज हो रही है। देखो होता क्या है, इस दुनिया में दो तरीके के डिफरेंसेस दिखाई देंगे, बीआरएस में जो कैशबुक और पासबुक में डिफरेंस होता है ना उसके दो कारण होते हैं, मोटे मोटे दो। एक कारण वो होता है जो आज नहीं तो कल अपने आप सही हो जाएगा, उससे हम अपनी कैशबुक को एडजस्ट नहीं करते, एंट्री पास नहीं करते, उसको डायरेक्ट बीआरएस में दिखाते हैं। और एक वो कारण होता है जिससे अपने आप सही नहीं होगा। सर एग्जाम्पल से समझाइए, मैं एग्जाम्पल समझाता हूं। मैंने शाहरुख खान को चेक दी 1000 रुपए की, मेरी बुक्स में 9000 का बैलेंस आ रहा है, बैंक में 10000 का बैलेंस आ रहा है 31 मार्च को। लेकिन अगर मैं ध्यान से सोचूं तो क्या ये जो डिफरेंस है, ये आज तो डिफरेंस है, क्या ये अपने आप थोड़े दिन में सही हो जाएगा, यस और नो? अपने आप मतलब मेरे को कुछ करना पड़ेगा क्या? मेरे को कुछ नहीं करना पड़ेगा, यानी अपने आप सही हो जाएगा। कब सही हो जाएगा? जब भी वो शाहरुख खान चेक लगाएगा और बैंक में वो चेक प्रेजेंट होगी, क्लियर हो जाएगी, अपने आप बैंक धड़ल्ले से मेरे 1000 रुपए कम कर देगा। ऐसे जो ट्रांजेक्शन होते हैं ये हम डायरेक्टली बीआरएस में ही लेके जाते हैं, इससे हम अपनी कैशबुक को चेंज नहीं करते, एडजस्ट नहीं करते, क्योंकि भाई हमारे में कोई गलती ही नहीं है। दूसरा समझो, बैंक ने चार्जेस लगा दिए, लेट से बैंक ने 100 रुपए के चार्जेस लगा दिए, तो बैंक का बैलेंस तो कम आ रहा है, कैशबुक का बैलेंस ज्यादा आ रहा है, क्या ये डिफरेंस जो ये 100 रुपए का है ये आज नहीं तो कल अपने आप सही हो जाएगा? आंसर इज नो। जब तक मैं अपनी बुक्स में बैंक चार्जेस की एंट्री नहीं करूंगा, भाई बैंक ने तो कर दी, मैं अपनी कैशबुक में जब तक चेंज नहीं करूंगा तब तक तो चेंज नहीं होगा। तो मैं प्रैक्टिकल जीवन में क्या करता हूं, प्रैक्टिकल जीवन में ऐसी गलतियां जो अपने आप सही नहीं होने वाली
उनको मैं बुक्स क्लोज करने से पहले सही कर देता हूँ, सही करने मतलब एंट्री पास कर देता हूँ। तो बैंक ने चार्जेस लगाए, तो अगर थोड़े बहुत हम लोग एंट्री के जानकार है तो मतलब यहाँ एंट्रीज नहीं आएंगी, बट मैं अभी तो चैप्टर का आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आज की क्लास में, ताकि जो डाउट्स थे जो बचपन में क्लियर नहीं हुआ तो क्लियर हो जाए। तो हम जब क्या करेंगे, हम अपने एंट्री करेंगे बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, जैसे ही एंट्री करेंगे अपने आप मेरे कैश बुक का भी बैलेंस कम हो जाएगा, और जब कम हो जाएगा तो इस ट्रांजेक्शन की वजह से डिफरेंस बचा ही नहीं, बीआरएस में आएगा ही नहीं। यानी बीआरएस में प्रैक्टिकल जीवन में केवल वो चीज दिखाते हैं हम जो गलतियां आज नहीं तो कल अपने आप सही हो जाएंगे। बीआरएस में, फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्रैक्टिकल जीवन की बात कर रहा हूं, बीआरएस में प्रैक्टिकल जीवन में हम केवल वो गलतियां दिखाते हैं जो आज नहीं तो कल अपने आप सही हो जाएंगी, और जो अपने आप सही नहीं होती उसको हम पहले ही एडजस्ट कर देते हैं कैश बुक में। लेकिन थियोरेटिकल जीवन की अब बात करते हैं, एग्जाम की बात करते हैं, बुक्स की बात करते हैं। एग्जाम में बीआरएस के क्वेश्चन दो तरीके से आते हैं। एक तरीके से आता है पूरा क्वेश्चन दे दिया और नीचे लिखा है प्रिपेयर बीआरएस, प्रिपेयर बीआरएस। ऐसे केस में गलती अपने आप सही हो या ना हो, हम कैश बुक नहीं छोड़ेंगे, छेड़ेंगे, कैश बुक एडजस्ट नहीं करते, हम सब कुछ बीआरएस में दिखा देंगे। अगर हमसे कह रहा है प्रिपेयर बीआरएस, एडजस्टेड कैश बुक बनाने के लिए नहीं कह रहा है, एग्जाम में कराएंगे हम आपको सब सब क्वेश्चन कराएंगे, सब चीज बिल्कुल क्लियर करेंगे। जब तक हर एक बच्चे के डाउट क्लियर नहीं हो जाएंगे मैं आगे जाता ही नहीं हूं कभी, ये मेरा हमेशा से तरीका रहा है, ठीक है। तो आपको ये सब अभी करेंगे, जब वो सब क्लियर करेंगे पहले बेसिक्स क्लियर करते हैं। अगर हमसे एग्जाम में कह रहा है प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, यानी उसने हमसे कहा ही नहीं कि प्रिपेयर एडजस्टेड कैश बुक, तो हमारे लिए क्वेश्चन आसान है एग्जाम में। क्यों? क्योंकि जितने भी ट्रांजेक्शन है हम वो सब दिमाग में बस सोच के बीआरएस में दिखा देंगे कि प्लस होना है कि माइनस होना है। और एक दूसरी तरीके से क्वेश्चन कब बनता है, दूसरा क्वेश्चन या तो एग्जाम में ऐसे आ सकता है प्रिपेयर बीआरएस आफ्टर एडजस्टिंग कैश बुक, प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आफ्टर एडजस्टिंग कैश बुक। तो ऐसे में हम क्या करेंगे एग्जाम में, जो हमको ट्रांजेक्शंस दिए होंगे पहले हम उसको बैठ बैठ के सोचेंगे कि ये जो एरर है, ये जो डिफरेंस है, इसका ये जो कारण है, ये अपने आप सही हो जाएगा कि अपने आप सही नहीं होगा। अगर दिल से आवाज आती है, सब मैं सिखा दूंगा कैसे दिल से आवाज आएगी, अगर दिल से आवाज आती है अपने आप सही हो जाएगा तो हम कहेंगे ये हम लेके जाएंगे कहां कहां, बीआरएस में। और अगर दिल से आवाज आती है अपने आप सही नहीं होगा, सही करना पड़ेगा, तो एडजस्टेड कैश बुक में। यहां तक समझ गए? अच्छा, अगर समझ गए हो, सही बता रहे हो आप लोग आंसर, तो एक चीज और बताओ, अगर हमें बीआरएस बनाना होगा केवल तो एडजस्टेड कैश बुक बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। अगर सिर्फ बीआरएस बनाना होगा तो एडजस्टेड कैश बुक नहीं बनाएंगे एग्जाम। अगर दोनों पूछेगा तो दोनों बनाएंगे, बीआरएस भी एडजस्टेड कैश बुक भी। पहले क्या बनाएंगे एग्जाम में, अगर मान लो कह रहे हैं प्रिपेयर बीआरएस आफ्टर एडजस्टिंग कैश बुक, पहले क्या बनेंगे? हमेशा याद रखना, पहले कैश बुक एडजस्ट होती है फिर बीआरएस बनता है। क्यों? क्योंकि पहले कैश बुक एडजस्ट करके देखे तो अब कितना बैलेंस बचा है, अब एडजस्टेड कैश बुक में एंट्रीज हमने करने बाद अब कितना बैलेंस बच रहा है, और अब पासबुक का कितना बैलेंस है, तो हमें रिकंसिलिएशन में कितना दिखाना है। तो अगर हमें कभी एडजस्टेड कैश बुक बनानी होगी तो हम पहले एडजस्टेड कैश बुक बनाएंगे फिर बीआरएस बनाएंगे, और अगर हमें एडजस्टेड कैश बुक नहीं बनानी है तो हम सब कुछ कहां ले जाएंगे, बीआरएस में। लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में तो आपसे कोई बोलने नहीं आएगा, जब आप सीए बन जाएंगे तो सीए बनने के बाद घर पे बैठ के तारक मेहता तो देखना नहीं है ना, कहीं ना कहीं काम करेंगे, और आपको नॉलेज होगी कि क्लाइंट को नॉलेज होगी, किसको ज्यादा नॉलेज होगी? आप चार्टेड अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं, देखिए भूलिएगा नहीं, एक होता है अकाउंटेंट, आप अकाउंटेंट नहीं बनने जा रहे हैं, आप कौन बनने जा रहे हैं? चार्टेड अकाउंटेंट, अकाउंटेंट का भी अकाउंटेंट, अकाउंटेंट के पिताजी आप हैं। चार्टेड अकाउंटेंट में सीए में सारे सब्जेक्ट आप पढ़ी रहे फाउंडेशन में, क्या लगता है सबसे मेन सब्जेक्ट कौन सा होगा? अकाउंट। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी सब्जेक्ट छोड़ देना, बाकी टीचर भी मेरे को सुनाएंगे, पास तो सभी में होना पड़ेगा है ना, काम सभी आएंगे, लेकिन साहब सीए की मेन मजबूत चीज क्या होनी चाहिए? अकाउंट्स। अगर अकाउंट्स ही नहीं मजबूत है, उसे पूछा गया रेंट पेड की एंट्री बताओ 5 मिनट, तो वही सोच रहा है, तो कहे कि सीए तुम समझ रहे, चार्टेड अकाउंटेंट। आप जैसे जैसे सीए करने लगते ना, वैसे ही रिश्तेदारों की, मोहल्ले वालों की, सबकी ना आशाएं, उम्मीदें, जो जो आप कह लें सब बहुत बढ़ जाती हैं। और एक बार अगर डिग्री मिल गई तो वो आपको समझेगा कि आपको सब आता है, जो नहीं भी पढ़ा है वो भी पूछ लेगा आके आपसे कि बताओ आसमान ऊपर क्यों होता है, जमीन नीचे क्यों होती है, और नहीं बता पाओगे तो कहेगा काहे का सीए किया। अब उसको कहां समझाओगे कि सीए में था कि नहीं,
इसलिए सीएमएच वो तो छोड़ो, नहीं आता, अकाउंट तो आनी चाहिए कि नहीं, यहां तक समझ में आया? तो चलिए शुरुआत करते हैं, अपने लोग बुक निकाल लेते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अच्छा उससे पहले आपको में से किसी को कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में अराइज हो रहा हो, कुछ भी पूछना हो? नहीं, पक्का कंफर्म? पूछना हो तो पूछ लीजिए, अगर मेरे को आता होगा तो मैं बता दूंगा, नहीं आता हो मना कर दूंगा। नहीं, चलिए शुरू करें, पढ़े फिर। चलो आओ, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट थ्योरी से ही शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आइए, बीआरएस के क्या सेलेंट फीचर्स हैं? द रिकंसिलिएशन विल ब्रिंग आउट एनी एरर्स दैट माइट हैव कमिटेड आइदर इन कैश बुक और इन पासबुक। एरर मतलब क्या होता है? गलती, कोई मिस्टेक। कई बार क्या होता है भाई, देखिए हम सब ह्यूमन बीइंग हैं, हो सकता है हमसे कैश बुक बनाते समय कोई गलती हो गई हो। जैसे सर गलती मतलब, मान लीजिए हमको ना किसी से पेमेंट मिला, किसी ने हमको चेक दी, तो किसी से अगर हमें पेमेंट मिला तो हमने अपनी कैश बुक में एंट्री कर लेनी चाहिए। एंट्री में जाऊं कि ना जाऊं आप बताते जाना मेरे को, एंट्रीज बोलूं कि ना बोलूं। मान लो हमें पेमेंट मिला माधुरी दीक्षित से, तो हम एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू माधुरी दीक्षित, हमको एंट्री करनी चाहिए। हमने क्या किया, गलती से दो बार एंट्री कर दी। हमने एंट्री करी, इतनी देर में किसी का फोन आ गया, और कैसे हो? मैंने कहा बढ़िया, तुम बताओ कैसी हो। हमने बातचीत करी, फिर हमने फोन रख दिया, हम भूल गए कि हमने एंट्री कर चुके, हमने फिर से एक बार एंट्री कर दी। एंट्री करनी कितनी बार थी? एक बार, पैसा मिलने की, बैंक से चेक मिली, मतलब चेक मिली हमको, कर दी दो बार। अच्छा बैंक वालों, बैंक में जब पैसा आएगा तो बैंक वाले भी दो बार प्लस कर देंगे क्या? नहीं, बैंक वाले तो एक ही बार करेंगे। अब ये गलती मेरे को कैसे पकड़ में आएगी? जब मैं रिकंसिलेशन करूंगा, जब मैं बैंक की स्टेटमेंट लेके बैठूंगा, जब मैं कैश बुक लेके बैठूंगा, एक एक एंट्रीज को मैच करूंगा, तब मेरे को पता चलेगा ओहो ये तो माधुरी दीक्षित से मैंने दो बार एंट्री कर दी। तो ऐसा एरर पकड़ में आ जाता है बीआरएस बनाने से। नॉर्मली बैंक्स जल्दी गलती नहीं करते, बैंक्स में जल्दी गलती नहीं होती, लेकिन हो सकता है 1% प्रोबेबिलिटी है कि उनसे भी गलती हो जाए। मान लो उन्होंने मेरे अकाउंट में से 1,000 रुपए डेबिट कर दिया, कम कर दिया, पेमेंट कर दिया, जबकि मेरा नाम विक्की अग्रवाल है, करना था विकास अग्रवाल के नाम पे डेबिट किसी और अकाउंट में, लेकिन उन्होंने मेरे खाते से कम कर दिया। चांसेस थोड़े कम है, लेकिन हो जाता है कई बार ऐसा भी। ये भी एरर कैसे पकड़ में आएगा? जब हम बीआरएस बनाएंगे कि ये काहे का डेबिट किया, बैंक से पूछेंगे तो बैंक चेक करेगा काहे का था, कहां था, हमने कब पेमेंट किया, किसको चेक दी, चेक करेगा अच्छा ये तो दूसरे अकाउंट का था, तब उसको रिवर्स करेगा, उठा के सही करेगा। तो एक तो एरर पकड़ में आ जाता है रिकंसिलिएशन से। दूसरा क्या है, कोई भी अगर अनड्यू डिले है इन क्लियरेंस ऑफ चेक, वो हमको रिकंसिलिएशन से पता चल जाता है। सर क्लियरेंस ऑफ चेक में अनड्यू डिले का मतलब क्या है? अनड्यू डिले का मतलब ये है, दोनों ही तरफ से समझे, एक तो वो शाहरुख खान वाला जिसको हमने चेक दी थी उसने क्लियर नहीं करी, तो हमें पता चल जाता है कि भाई डिले हो रहा है, लेकिन उसमें हम कुछ कर नहीं सकते, वो जब लगाएगा तब होगा। उल्टा समझे तो जब हमें किसी से पेमेंट मिला, हमको किसी ने चेक दी, हमने अपनी कैश बुक में तुरंत भरा लिया और हमने बैंक में वो चेक लगवा भी दी, लेकिन हुआ क्या बेटा, आज 20-25 दिन हो गए वो चेक क्लियर नहीं हुई। जब मैं रिकंसिलेशन बनाने बैठा, हमने कहा यार ये क्या है, ये तो चेक मिली थी, हमने लगा भी तब दी थी, बैंक में अभी तक क्लियर नहीं हुई। तो जब पकड़ में आएगा तभी तो हम बैंक वाले से पूछेंगे कि सर ये चेक हमने दी थी, ये क्लियर क्यों नहीं हुई, तब तो बैंक वाले हमको बता पाएंगे कि क्या कारण रहा, कहीं ऐसा तो नहीं उनसे छूट गई। एक बार मेरे साथ हो चुका है ऐसा, बहुत पहले की बात है, बैंक का नाम नहीं बोलेंगे, क्या बोले, एक चेक थी मैंने लगाई थी, 15-20 दिन बाद मेरे को होश आया, बिजी था मैं, मैंने चेक किया तो चेक क्लियर ही नहीं हुई। बैंक में पता किया, उन्होंने कहा पता नहीं, ड्रॉर्स में चेक किया उन्होंने, मैं हैंडओवर कराया था स्टाफ को, उनके ड्रॉर में पड़ी रह गई, फिर उन्होंने लगाई। तो एक तो बीआरएस बनाने से ये पता चल जाता है कि कोई डिले तो नहीं है, और डिले है तो उस पर आप एक्शन ले सकते हैं, ठीक। तीसरा देखिए, आपने जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी है, क्या सारी ऑर्गेनाइजेशन में मालिक सारा काम करता है? पैसा लेना, पैसा कलेक्ट करना, पैसा बैंक में डिपॉजिट करना, किसी को पेमेंट्स करना, सारे सब कुछ ओनर करता है? जैसे मुकेश अंबानी साहब खुद बैठ के सारे बैंकिंग ट्रांजेक्शन हैंडल करते होंगे? आंसर इज नो,
आपने जिसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी है, कहीं वो कोई धोखाधड़ी ना कर रहा हो, कहीं वो कोई चोरी ना कर रहा हो, वो कैसे पकड़ में आएगा? बीआरएस से, क्योंकि उसको पता है कि साहब बाद में बीआरएस बनेगा, बीआरएस में चीजें पकड़ में आ जाएंगी, एक उसके दिमाग में पहले से थॉट होगा, तो पहले से ही ये मिस्टेक, ये गलती, ये फ्रॉड करने के सोचेगा नहीं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देते हैं, आप मॉल्स वगैरह में जाते हैं, तो मॉल्स वगैरह में आपने अधिकतर, ज्यादातर मॉल्स में देखा है चेकिंग करते हैं। आप एंटर होते हैं तो वो चेक करता है ना। अब आपने देखा कुछ लोग तो ऐसे शाहरुख खान की तरह भाई फैला करके खड़े हो जाते हैं। अच्छा, चेकिंग करने वाला भी ऐसे ऐसे करके, कुछ लोग तो ऐसे कर देते हैं, जाइए। इतनी देर में उसने बहुत कुछ नहीं चेक किया, लेकिन अगर ये मैकेनिज्म ही हटा दिया जाए कि चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है, भेजो, तो पता है क्या होगा? अभी क्या है, आपके दिमाग में डर है, आप कोई बम हथियार ये सब लेके नहीं जाते। क्यों? क्योंकि चेकिंग होगी, भले वो ऊपर ही ऊपर चेक कर रहा हो, लेकिन आपके दिमाग में तो है ना, कि मुरली तो दिमाग में है कि भैया ऐसा होगा, हम पकड़ लिए गए तो दिक्कत होगी। और अगर ये सब हटा दिया जाए तो फिर आप क्या करेंगे? आप लेके पहुंच जाएंगे जंजीर, लाओ ये हमको समझ में आ गया, एलपी की शर्ट लाओ निकालो। क्लियर है? तो सेम चीज है, जब अकाउंटेंट को ये पता है कि भाई बीआरएस बनेगा है ना, बाद में ऑडिटर आएगा चेक करेगा, तो इंटरनल कंट्रोल भी मजबूत होता है। इंटरनल कंट्रोल समझते हैं, जो पहले तो देखिए ऑडिटर तो एक बाहर का फैक्टर हो गया, बाहर एक्सटर्नल चीज है, आपको पहले तो क्या कोशिश होनी चाहिए कि आपके अंदर ही सारी चीजें सही हो, ताकि ऑडिटर आके कम से कम गलतियां निकाले, ना के बराबर गलतियां निकाले, तो इंटरनल कंट्रोल के लिए काम आता है। तीसरा वही लिखा है कि एक रेगुलर रिकंसिलेशन डिस्करेज करता है क्या अकाउंटेंट ऑफ द बैंक फ्रॉम एम्बेजलमेंट। एम्बेजलमेंट मतलब समझते हैं चोरी है ना, मैनिपुलेशन, उसको डिस्करेज करता है। अब सर क्यों अंतर आता है पासबुक और कैशबुक के बैलेंस में, आखिर क्यों अंतर है? इसके मोटे मोटे दो कारण है। एक है टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस मतलब, टाइमिंग डिफरेंस देखो, एक दिख रहा है आपको टाइमिंग डिफरेंस, दूसरा दिख रहा है एक डिफरेंस अराइजिंग ड्यू टू एरर। पहले तो टाइमिंग की बात करते हैं, एक कारण है अंतर आने का टाइमिंग डिफरेंस। जैसे शाहरुख खान का वाले मैंने जो एग्जांपल लिया वो टाइमिंग डिफरेंस था। टाइमिंग डिफरेंस का मतलब है मैंने चेक काटी, मैंने अपने यहां एंट्री आज ही कर ली, करनी भी है, हम रुकेंगे थोड़ी ना, लेकिन उसने आज तक वो चेक प्रेजेंट नहीं करी बैंक में, इसलिए क्लियर नहीं हुई। वो क्लियर होगी लेट से 5-10 अप्रैल 15 अप्रैल को, तो एज ऑन 31 मार्च दोनों में डिफरेंस आ रहा है बिकॉज ऑफ टाइमिंग डिफरेंस। के भी क्लियर नहीं हुई लेकिन बाद में हो जाएगी, डिले, टाइमिंग। दूसरा हो सकता है एरर, गलती। अभी गलती का भी एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, क्या मैंने कोई एंट्री दो बार कर दी है ना, मान लो करना था डेबिट कर दिया क्रेडिट, तो ये कारण है आपके डिफरेंसेस के, हमें दोनों का रिकंसिलेशन करना पड़ेगा। ओके, इंट्रोडक्शन से ही चलते। बैंक्स आर एसेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन ए मॉडर्न सोसाइटी। जाहिर सी बात है बैंक तो बड़े जरूरी है। अब देखिए एक समय था जब लोग ना बहुत सारा कैश लेके चलते थे, आजकल अब जितना कोविड के बाद खास तौर पे, और ये आपका यूपीआई और ये सब बहुत बढ़ गया है ना, आप लोग भी ज्यादा पेमेंट लेकर के कैश नहीं चलते हैं है ना, तुरंत स्कैन करा पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, आजकल तो सारे बैंक्स भी अपना स्कैनर देने लग गए कि सर आप और क्यों किसी थर्ड पार्टी का कर रहे हैं, हमारा ही करिए। तो मॉडर्न सोसाइटी के लिए बैंक बहुत एसेंशियल है। विद द इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ ट्रेड कॉमर्स एंड बिजनेस, बिजनेस एंटिटीज फेस डिफिकल्टी इन ट्रांजेक्टिंग इन कैश फॉर ईच बिजनेस एक्टिविटी। भाई आप देख रहे हैं, अगर कैश में ट्रांजेक्शन करेंगे तो बड़ी मुश्किल होगी। देखिए जब बैंकिंग ट्रांजेक्शन इतना अच्छा नहीं था, मान लीजिए आप कानपुर में बैठे हैं, आपने गुड्स बेचे लखनऊ में उधार में, अब आपको उससे पैसा लेना है 1 महीने बाद, तो आपको या तो जाना पड़ेगा या अपने किसी बंदे को भेजना पड़ेगा, वो जाएगा वहां से पैसा लाएगा। अच्छा लाने में भी रिस्क है, मान लीजिए 5 लाख रुपए वो ला रहा है, लाने में भी रिस्क है, चोरी हो सकती है ना, कोई लूट सकता है, टाइम अलग जा रहा है लेने जाने में। अब क्या है, तो भी ना आप लेने जाएंगे क्या होगा, ऑनलाइन भेज देगा दुनिया किसी कोने से, आप कहीं भेजना चाहे भेज सकते हैं, किसी से मंगाना चाहे, चीजें तो बड़ी आसान हो गई है। दे डिस्कवर्ड दैट डीलिंग थ्रू बैंक ऑन रेगुलर बेसिस, अगर आप बैंक से डील करते हैं, वुड बी द बेटर एंड सेफर ऑप्शन। एंड फाइनली लार्ज बिजनेस एंटिटी ने स्विच कर लिया ओवर टू बैंकिंग ट्रांजेक्शन इंस्टेड ऑफ डीलिंग इन कैश। आजकल तो आप देखते हैं, आप सब्जी खरीदने जाए, गोलगप्पे खाने का मन कर गया, तो मैक्सिमम वो लोग भी, ज्यादातर लोग स्कैनर रखे। कानपुर में तो हो सकता है आपको कम मिल जाए थोड़े कि ना रखे हो, और चले जाए दिल्ली गुड़गांव में तो ज्यादातर सब रखे हुए हैं।
ना, शादी में भी अगर आपको शगुन देना है तो वहां पे भी स्कैनर रख देते हैं, इसमें दे दीजिए, ये कितना दे रहे, 5100 दे रहे हैं, अच्छा दे दीजिए, स्कैनर कर दीजिए। अब तो समाज जमा बहुत तेज बदलने वाला है, कार्ड में हम लोग छपवा दे, कार्ड तो जाते ही नहीं है, वो जो वीडियो वीडियो ना उसमें भी स्कैनर देने लग जाएंगे, देखते जाइए आगे आगे कि इसमें शगुन के लिए इसी में बेचते जाए। Nowadays, most of the transactions of the business are done through bank, whether चाहे वो पैसा लेना हो, रिसिप्ट हो या पेमेंट। Rather, legally भी necessary है to operate the transaction through the bank after a certain limit. जब आप बड़े हो जाएंगे ना, अगले लेवल पे पहुंचेंगे, टैक्स वगैरह इनकम टैक्स होना तो होगा, तो इनकम टैक्स में भी लिखा है कि अगर आप किसी को 10,000 से ज्यादा का पेमेंट कर रहे हैं, बिजनेसमैन 10,000 से ज्यादा का पेमेंट कर रहा है तो नगद नहीं कर सकता, आपको बैंकिंग चैनल से ही करना पड़ेगा। तो कह रहे एक सर्टेन लिमिट के बाद तो लीगली भी मैंडेटरी है कि बैंकिंग करना है। और गवर्नमेंट भी क्या चाहती है, सब लोग क्या चाहते हैं आज की तारीख में, सरकार क्या चाहती है कि लोग कैश ट्रांजेक्शन करें कि बैंकिंग ट्रांजेक्शन करें। बैंकिंग ट्रांजेक्शन से करने से क्या होगा, सामने वाली पार्टी भी टैक्स चोरी नहीं कर पाएगी। आप समझ रहे हैं कैसे, आप किसी शॉप में गए, आपने मिठाई खरीदी, आपने नगद दे दिया, अब हो सकता है वो नगद को ना दिखाए सेल में अगर चोरी करता हो तो, लेकिन अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट किया तो उसके बैंक स्टेटमेंट में आ ही रहा ना, उसको कहां लेकर के जाएगा, उसको तो डिलीट नहीं कर देगा ना। तो कहीं ना कहीं आपका टैक्स की जो चोरी है, टैक्स का जो इवेजन, इवेजन मीन चोरी, टैक्स इवेजन कम होगा, तो गवर्नमेंट भी यही चाहती है। अब बैंक एक्सेप्ट, बैंक पैसा लेता है इन जनरल। अच्छा बैंक, जैसे बैंक कैसे चल रहा है, बैंक ये जो जितने भी बैंक होते हैं ये चैरिटी करने के लिए बैठे हैं कि ये भी कमा रहे हैं, कमा रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं, क्या करते हैं, नोट छापते रहते हैं अंदर, मैनेजर अंदर केबिन में बैठ बैठ के 500 के नोट छापते, नहीं क्या, क्या सही कहीं से आ रहा था, क्या आप बता रहे थे, लोन प्रोवाइड करते हैं, और थोड़ा सा बिल्कुल सही, और थोड़ा डिटेल में जाएं तो जी बिल्कुल मोटा मोटा ये आप बिल्कुल ठीक है, आजकल तो वैसे चार्जेस लगा के भी कमाते हैं, लेकिन खैर मोटा मोटा अगर समझे तो, जैसे जिनको जिनके पास पैसा ज्यादा है वो बैंक में चाहे तो डिपॉजिट कर दें एफडी वगैरह में, है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम हो गया है, लेकिन अगर तब भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो सेफ डिपॉजिट चाहते हैं तो बैंक में डिपॉजिट कर दें, बैंक आपको लेट से देगा 5-7%, और बैंक क्या करता है वो पैसे को आगे किसी और को लोन दे देता है ज्यादा पे, कि लो नीरव मोदी ले लो भाग जाओ, ठीक है, मतलब बैंक बीच की यही कमाई है, ठीक है ना, बाकी इसके अलावा कमाई बैंक बैंक के पास बहुत है, अब सोर्सेज बहुत बढ़ गए हैं, बैंक में लॉकर्स हैं तो उससे रेंट लेता है ना, इसके अलावा बैंक के चार्जेस लगा ही रहा है, तो ये सब बैंकिंग की कमाई है। तो कह रहे हैं साहब बैंक करता क्या है, आमतौर पे पब्लिक से पैसा लेता है, डिपॉजिट लेता है और लेंड करता है, देता है अलग अलग को जिनकी नीड होती है। इसके अलावा अगर बैंक के पास सरप्लस पैसा है तो वो भी कहीं और इन्वेस्ट कर सकता है, उसकी मर्जी, ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया। इसके अलावा अगर हम ये समझते हैं अपार्ट, ये समझना, अपार्ट फ्रॉम रिसीविंग डिपॉजिट फ्रॉम, पैसा तो ले ही रहा है और हैंडलिंग कैश ट्रांजेक्शन, इसके अलावा भी बैंक कुछ और भी सर्विसेज देता है क्या, क्या बैंक केवल बैंक में केवल पैसा जमा होता है और निकलता है कि और भी कोई सर्विसेज बैंक देता है, और भी सर्विस, हाँ बताना चाहेंगे था, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, अब ये ओवरड्राफ्ट इन्होंने बोला है तो मैं समझा ही देता हूँ, छेड़ा है तो आगे आएगा ही, लेकिन समझा देता हूँ, ओडी सुना आपने कभी ओवरड्राफ्ट आप लोगों ने, मैं समझाता हूँ ओवरड्राफ्ट क्या होता है, बेसिक से समझाऊं आपको। तो जैसे मान लीजिए, सपोज करिए मेरे अकाउंट में, मान लेते हैं मेरा शिक्षा का अकाउंट है, करेंट अकाउंट, और लेट से मेरे अकाउंट में 1,00,000 रुपए पड़े, मान लेते हैं मेरे को किसी को चेक देनी है, पेमेंट करना है, अब मैं अगर उसको चेक दूंगा तो जाहिर सी बात है मैं 1,00,000 रुपए या उससे कम की चेक दूंगा, तभी तो वो चेक क्लियर होगी। अगर मैंने मेरे लेट से उसको 1,50,000 की चेक दे दी तो वो चेक क्या हो जाएगी, बाउंस हो जाएगी, है ना, तो मैं चेक जाहिर सी बात है 1,00,000 या उससे कम की दूंगा। अब कई बार क्या होता है व्यापारियों के साथ, क्या होता है कि उनका ना कई बार पैसा कहीं से लेना बना हुआ होता है, कि लेट से मान लो मेरे को ना कहीं से 10,00,000 रुपए आने हैं, लेकिन वो कल आने हैं, और आज मेरे को बड़ी जरूरत है किसी को 1,50,000 का पेमेंट करना है, बैंक में पड़ा 1,00,000, अब मैं क्या करूं, ऐसे में मैं बैंक के पास जा सकता हूं और उनसे कह सकता हूं कि सर आप मेरे को ओडी फैसिलिटी दे दो, ओवरड्राफ्ट, ओडी शॉर्ट में बोल रहा हूं, ओवरड्राफ्ट को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे दो। तो बैंक क्या करेगा, बैंक सब कुछ चेक करेगा कि आप उस लायक हैं भी कि नहीं, जैसे लोन होता है ना एक तरीके का उसी तरीके का, तो बैंक आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा, है ना, आपकी पुरानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगा पिछले 2-3 साल के, आगे के आपसे मांगेगा, है ना, अगर बैंक को ठीक लगेगा तो बैंक ओडी लिमिट सैंक्शन कर देता है, लिमिट भी एज पर आपकी कितनी वर्थ है। तो लेट से बैंक ने 50,000 की ओडी लिमिट दे दी,
अब ऐसा नहीं कि सबको 85,000 देता है, जिसकी जितनी वर्थ है 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़। अब मान लो मेरे को 50,000 की ओडी लिमिट मिली है। अब ओडी लिमिट का मतलब यह है कि अगर मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं और मैं 1.5 लाख रुपए तक की भी चेक काट दूं, अगर 50,000 की ओडी लिमिट है, मैंने एज्यूम किया 50,000, 50,000 कोई फिक्स अमाउंट नहीं होता, वो तो अपने मेरे को कितनी चाहिए और कितना देना चाहता, तो 50,000 ओडी लिमिट है, तो मैं 1.5 लाख तक की भी चेक काट दूंगा तो वो बाउंस नहीं होगी, वो चेक क्लियर हो जाएगी। अगर 1,20,000 काट दू, 1,30,000, 1,40,000, 1,50,000 क्लियर हो जाएगी। हाँ, 1,60,000 की काट दू, 1 लाख पड़ा था, 50,000 की ओडी लिमिट थी, 1,60,000 की काट दूंगा तो बाउंस हो जाएगी। बैंक ऐसा क्यों कर रहा है? 1 लाख पड़ा है, 50,000 की ओडी लिमिट हमको दे दी, 1.5 लाख तक की भी चेक क्लियर हो जाएगी, ऐसा बैंक क्या करे? बैंक को क्या है फायदा? बैंक हमसे कुछ लेगा, क्या लेगा पता है? इंटरेस्ट लेगा उस ओडी पे, जो नेगेटिव बैलेंस इसको आप कहते हैं ना, उस पे बैंक हमसे ब्याज लेता है। तो बैंक ओडी फैसिलिटी जैसा इन्होंने बताया वो भी प्रोवाइड करता है। तो हम लोग क्वेश्चन जब करेंगे तो हमें दोनों तरीके क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा भी बैंक बहुत तरीके की सर्विसेज देता है, हैं? क्रेडिट कार्ड, आजकल क्रेडिट कार्ड का जमाना है ना, अभी तो आप लोग पास फोन आते नहीं होंगे, आते हैं क्रेडिट कार्ड ले लो नहीं आते हैं आपके पास? आते हैं किसके किसके पास फोन आते हैं अलग अलग जगह से, क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, नहीं आते। खैर, जिस दिन आप सीए बन जाएंगे उस दिन यकीन मानिए आपके पास दिन भर में इतने फोन आएंगे कि आप परेशान हो जाएंगे। आप बताए एक सच्चाई पता है, इस दुनिया में लोन हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, ये उसको मिलता है जिसको उसकी जरूरत नहीं होती। मतलब जैसे मान लीजिए एक रोड पे एक रिक्शे वाला है, बड़ी बुरी हालत में है, बैंक जाएगा लोन लेने की, 10 लाख का लोन दे दो, बैंक दे देगा? नहीं। लेकिन लेट से अगर मेरे को 10 लाख का लोन चाहिए, बैंक दे देगा? आंसर इज यस। क्यों? बैंक लोन किसको दे रहा है? जिससे नहीं, सीए को दे रहा है, और भी ऐसा नहीं कि सिर्फ सीए को ही देता है। बैंक लोन उसको दे रहा है जिससे वापस मिलने के, हाँ, कि भाई डिफॉल्ट नहीं होगा, पैसा मिल जाएगा, जिसके पास उतने एसेट्स हैं, उतनी क्रेडिट वर्दीनेस है उसकी। तो अभी जैसे आपके पास क्रेडिट कार्ड के फोन नहीं आते, एक दिन आप जब सीए बन जाएंगे, पता नहीं कहां से डेटा मिल जाता है इन लोगों को, दिन भर में इतने अलग अलग फोन से कॉल करते हैं, सर मैं बजाज फाइनेंस से बोल रही हूँ। अच्छा, एक तो फोन में जो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बोले और थोड़ा प्यार से बात करे तो समझ में आता। अच्छा, अगर ब्लॉक भी कर दे मान लीजिए, तो अगले दिन दूसरे नंबर, हमारे पास 5,000 नंबर, ऐसा कितने नंबर ब्लॉक करेंगे? बजाज फाइनेंस, टाटा कैपिटल, L&T फाइनेंस, जाने कितने। सर लोन ले लीजिए, सर ओडी लिमिट ले लीजिए, सर आप। अच्छा, और अगर प्राइवेट बैंक वगैरह में आपने खाता खुलवा लिया तो खाता खोल के बैठ जाएंगे, सर आपके अकाउंट में इतना बैलेंस पड़ा है। तो खैर, ये एक तो आपने जैसे कहा कि क्रेडिट कार्ड वगैरह, इसके अलावा भी बहुत सारी फैसिलिटीज है। जैसे आप देखिए पहली लाइन में लिखा है, बैंक ना प्रॉमिसरी नोट्स वगैरह डिस्काउंट कर देते हैं। जैसे आप छोटे जब रहे होंगे तो शायद 11th 12th में जिन्होंने कॉमर्स ली थी, एक होता था बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बैंक से डिस्काउंट कराते थे, तो वैसे ही होता है प्रॉमिसरी नोट। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता था, जो क्रेडिटर होता था, जिसको पैसे देने हैं, है ना, वो एक्सेप्ट करता था कि हाँ हम पैसे देंगे। एक ड्रॉअर होता था, ड्रॉ होता था, मैं वहां समझाऊंगा। प्रॉमिसरी नोट में क्या होता है, डेटर लिख करके प्रॉमिस करके दे रहा है कि सर हम पैसे देंगे, बस उतना अंतर होता है। तो उसको आप बैंक से डिस्काउंट करा सकते हैं। बाकी डिस्काउंटिंग क्या होती है एक्चुअल में, बैंक बिल्स ऑफ एक्सचेंज समझाऊंगा। और बैंक क्या आपको फैसिलिटी देता है, अभी आपने कहा ओवरड्राफ्ट की लिमिट देता है, बैंक अलाउज ओवरड्राफ्ट। किसको देता है, गंदे कस्टमर को कि अच्छे कस्टमर को? अच्छे। आप इसका छोटा सा एग्जांपल, बैंक छोड़ दीजिए, छोटा सा एग्जांपल, आप जहां रहते हैं जिस भी एरिया में, वहां पे आसपास कोई एक शॉप वगैरह होगी जिससे आप रूटीन बेसिस में थोड़ा बहुत सामान खरीदते होंगे, है ना। अब मान लीजिए आप कोल्ड ड्रिंक लेने गए, कोई दो चिप्स लेने गए, 10 रुपए कम पड़ गए, तो आमतौर पे अगर आपकी गुडविल अच्छी है तो वो दुकानदार क्या कहता है, अरे ले जाओ बेटा ले जाओ, अरे की बात है बाद में दे देना। वो बाद में देना इसलिए कह रहा है क्योंकि उसको मनी मन पता है कि आप बाद में दे देंगे, उसको पता है कि हाँ इसको खुद ही नहीं चैन आएगा, अभी खुद ही भाग करके आ जाएगा, या आ जाएगी, लीजिए अंकल 10 रुपए। और अगर उसने आपको तर लिया कि रहता तो बगल में ही है, लेकिन अगर हमने इसको 10 रुपए छोड़ दिए तो अगली बार हमारी दुकान में ही नहीं आएगा, तो नहीं देगा, देगा कि नहीं देगा। सेम तरीके से बैंक अपने कौन से कस्टमर को लोन देता है, हाँ, तो बैंक अलाउज ओवरड्राफ्ट टू इट्स गुड कस्टमर सो दैट दे कैन मेक पेमेंट्स इवन व्हेन
अगर ओडी लिमिट है तो हम पेमेंट कर सकते हैं कब, जब हमारे खाते में पैसा भी नहीं पड़ा है तब भी हम उतने तक का पेमेंट कर सकते हैं, इवन देन इवन व्हेन दे डोंट हैव सफिशिएंट बैलेंस इन द बैंक। ऑफ कोर्स ओडी लिमिट जो होती है, ओडी फैसिलिटी जनरली सिक्योर्ड होती है और बाद में आपको उसका पैसा चुकाना पड़ेगा कि नहीं, माफ हो जाएगा, चुकाना पड़ेगा ना, ठीक है। बैंक ग्रांट करता है अलग अलग तरीके के लोन, जैसे वर्किंग कैपिटल लोन देता है, टर्म लोन देता है। वर्किंग कैपिटल लोन समझते हैं, वर्किंग कैपिटल वर्ड सुना है, हो सकता है स्कूल में पढ़ाओ, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज ऐसा कुछ पढ़ाया जाता है। अगर वर्किंग कैपिटल क्या होता है, डे टू डे खर्चों के लिए जो हमें पैसे की जरूरत है, रॉ मटेरियल खरीदना है, लेबर के लिए पेमेंट करना है, वो है वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल का लोन भी आप ले सकते हैं। टर्म लोन मतलब एक टर्म के लिए हमने लोन लिया है, 10 साल, 5 साल, 20 साल के लिए, या एसेट खरीदने के लिए लोन लिया। तो बैंक अलग अलग तरीके का लोन देता है, आपको शादी करनी है उसके लिए लोन चाहिए वो भी मिल जाएगा, आज की तारीख में तो हर चीज के लिए लोन है, पर्सनल लोन, मेडिकल लोन, हाउस लोन चाहिए, है ना, जो चाहिए, एजुकेशन लोन चाहिए, सब मिल जाएगा। तो फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड, से एक साल के लिए या उससे ज्यादा के लिए टू इट्स कस्टमर, ताकि आप स्मूथ फंक्शनिंग करते रहे, अपना काम करते रहे, आपका काम ना रुके, ठीक है। बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, ये बड़ा अच्छा है। आजकल तो क्या है बेटा, मान लीजिए, सपोज करिए, देखिए मैं आपको दोनों तरफ से समझाता हूँ। मान लीजिए मैंने ना LIC कराई हुई है, LIC सुना है ना आप सबने, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, मैंने LIC लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है, मे बी LIC से, मे बी कहीं से भी, तो उसका क्या जाता है, मेरे को क्या पे करना पड़ता होगा उनको, प्रीमियम, एक समझदार बच्चे हैं, प्रीमियम पे करना पड़ता है। तो आजकल क्या सिस्टम है कि मैं बैंक को ना स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे देता हूँ। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस मतलब मैं बैंक को इंस्ट्रक्ट कर देता हूँ कि इस ड्यू डेट पे मेरे खाते में से ऑटो डेबिट कर देना, ऑटो पेमेंट कर देना, मेरे खाते से, मेरे से बिना पूछे मैं आज इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, तो ड्यू डेट पे अपने आप मेरे खाते से पैसा कट जाएगा और वहां पहुंच जाएगा। जैसे आजकल म्यूचुअल फंड्स वगैरह में SIP वगैरह शायद आपने सुना हो, तो लोग म्यूचुअल फंड में हर महीने पैसा लगाते हैं, SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, तो उसमें आपने बैंक में जाकर के क्या ऑनलाइन ही बैठ करके हो जाता है, तो अपने आप डेट पे अपने आप पैसा कट जाएगा। तो बैंक ये भी सर्विसेज देता है, या मेरे को कहीं से, मैंने कहीं पे ना इन्वेस्ट कर रखा है, ब्याज मिलना है, तो बैंक मेरे ब्याज पे इंटरेस्ट कलेक्ट कर सकता है, अकाउंट में डालता रहता है। कह रहे बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर कलेक्ट द अमाउंट ऑफ डिविडेंड वॉरेंट्स, किसी के शेयर खरीद रखे हैं, डिविडेंड मिलना है वो ले सकता है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज कहीं इन्वेस्ट कर रखा है, ब्याज है वो सब बैंक में आ सकता है, या इसका उल्टा ऑन इंस्ट्रक्शन ऑफ द कस्टमर अगर मैंने कह रखा है तो बैंक क्या करेगा, मेरे बिहाफ पे इंश्योरेंस वगैरह प्रीमियम दे देगा, रेंट वगैरह दे देगा। बैंक सेल करता है, परचेज करता है शेयर्स, डिबेंचर या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। हमने बैंक में लगा दिया कि हमें इसके इसके शेयर खरीदने हैं, तो आजकल बहुत सारे बैंक ये भी फैसिलिटीज देते हैं, आप वहीं डीमैट अकाउंट खुलवा लीजिए अपना, है ना। मनी आप रेमिट कर सकते हैं अनदर प्लेस, किसी को भी कहीं पे भी, हमें यहाँ से कहीं और पैसा भेजना है भेज सकते हैं कि नहीं भेज सकते, RTGS करा लीजिए, NEFT करा लीजिए, बहुत सारे IMPS करा लीजिए। बैंक इन रिटर्न फॉर ए कंसिडरेशन फर्निश आपको, देखिए अगर मान लीजिए आपको कहीं पे कोई सिक्योरिटी या कुछ देना है, तो बैंक हो सकता है आपके बिहाफ पे सिक्योरिटी वगैरह कहीं गारंटी प्रोवाइड कर दे। वैसे तो नॉर्मली बैंक खुद गारंटी लेते हैं लोन देने के लिए, लेकिन हो सकता है कि किसी कारण में कहीं जरूरत है कहीं लगाने के लिए। जैसे कई बार क्या होता है, अब बड़े होंगे तो पढ़ेंगे, इम्पोर्ट सुना है ना, इम्पोर्ट वगैरह, इम्पोर्ट होता है, कस्टम ड्यूटी वगैरह, वहाँ पे कई बार बैंक गारंटी लगाई जाती है, तो FD वगैरह करा के बैंक लिख करके दे देता है, वो सब भी आजकल बैंक देता है। इसके अलावा LC देता है, LC मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट या ट्रेवलर चेक, सर ये क्या होता है, जैसे OD होता है ना वैसे ही होता है LC, मतलब बहुत डेप्थ में नहीं जा रहे, इसमें बहुत डेप्थ में नहीं है, समझा दूं क्या LC, समझा देता हूँ। देखिए LC क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेरे को ना मशीन कोई इम्पोर्ट करनी है, मान लो जापान से मेरे को कोई मशीन इम्पोर्ट करनी है, अब जापान से इम्पोर्ट करनी है ना, तो वो मेरे को उधार में नहीं बेचेगा, क्यों नहीं बेचेगा भाई, वो मेरे को जानता नहीं है, वहां से मैं इंडिया ले आया, कल को उसको पेमेंट नहीं करूंगा तो क्या होगा। अब मेरे को लेकिन इम्पोर्ट करनी उधार पे, अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपने बैंक जाता हूँ, मान लीजिए कानपुर में मेरे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मेरा अकाउंट है, मैं वहां जाता हूँ, मैं उससे कहता हूँ सर मैं मशीन इम्पोर्ट कर रहा हूँ जापान से, ये उसके डॉक्यूमेंट है, ये मशीन है लेट से 10 लाख रुपए की, आप क्या करिए, आप SBI वाले, आप बाहर के बैंक को, जापान का जो बैंक है या तो आप ही की कोई SBI की ब्रांच वहां पे, उसको इंस्ट्रक्ट कर दीजिए कि वो बैंक उस बंदे को इतना पेमेंट दे दे, वो बैंक उस बंदे को इतना पेमेंट दे दे, और जो LC की मैच्योरिटी होगी 20 दिन, 30 दिन, 90 दिन, मान लो 90 दिन की हो गई, 90 दिन बाद मैं उसको पेमेंट कर दूंगा उस बैंक को। देखिए मैं अगर वहां के बैंक से बोलूंगा तो बैंक भी मेरी बात नहीं मानेगा, यहाँ का बैंक वहां से बोलेगा तो मान लेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ का बैंक गारंटी ले रहा होगा उससे कि ये पेमेंट कर देंगे, नहीं करेंगे तो हम इसके खाते से काट के आपको देंगे, वो होता है लेटर ऑफ क्रेडिट,
ठीक है ना, ये सब आप बड़े होंगे तो उसमें आएगा। ठीक है साहब, ये सब है। इसके अलावा करेंसी एक्सचेंज, जैसे आपको बाहर कहीं जाना है घूमने, है ना, अब सब जगह तो अपने गांधी जी चलेंगे नहीं मुस्कुराते हुए, तो आपको करेंसी एक्सचेंज करनी है, बैंक से कर सकते हैं। बैंक इस पे भी फायदा कमाता है क्या? बैंक इस पे भी अपना कमीशन लेता है ना। जैसे $1 लेट से 80 का है तो 80 में नहीं दे देगा आपको, आपसे लेट से 81 लेगा, ₹1 उसका कमीशन, तब आपको $1 देगा। ठीक है, ओके। बैकग्राउंड, इन द पास्ट मैनी कॉर्पोरेट फ्रॉड्स हैव इंकर्ड बाय द कंपनीज। आपने सुना होगा स्कैम्स वगैरह सुने, अपन इंडिया में रहते हैं, स्कैम्स फ्रॉड्स वगैरह। देखिए है क्या, अगर मैं बात करता हूँ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, बहुत सारे मेथड्स हैं बिजनेस बनाने के, सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप फॉर्म है, HUF है, हम कंपनी की बात करते हैं। कंपनी में क्या होता है, जो मालिक होते हैं वो कौन लोग होते हैं आपको बताएंगे? किस कौन किसको ओनर बोलते हैं, कंपनी के ओनर कौन होते हैं, जिनके पास क्या होते हैं, शेयर, जिनके पास शेयर होल्डर। आमतौर पर शेयर होल्डर अलग व्यक्ति होता है, और जो मैनेजमेंट संभाल रहे हैं, डायरेक्टर जो हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वो अलग व्यक्ति होते हैं। मान लीजिए मैंने ना किसी कंपनी के, रिलायंस के, मैंने 100 शेयर खरीद रखे, और मैं तो मैनेजमेंट संभाल नहीं रहा हूँ डे टू डे एक्टिविटी, तो पैसा तो मेरा लगा है, मालिक तो मैं हूँ, लेकिन मैनेजमेंट कोई और संभाल रहा है। साहब वो मैनेजमेंट संभाल रहा है कहीं वो फ्रॉड ना करे, इसलिए ऑडिट होता है कि ओनर को, शेयर होल्डर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब आती है, ऑडिटेड आती है, सीए साहब के साइन होते हैं, तो एक भरोसा हो जाता है कि हाँ ये झूठ नहीं लिखा है, ये सब कुछ ठीक लिखा है। उसके बाद भी इतने स्कैम्स हुए हैं, इतने मैनिपुलेशंस हुए हैं, उन स्कैम से बचने का एक छोटा तरीका ये भी हो सकता है कि BRS बना ले, तो उससे भी हो सकता है कोई कोई फ्रॉड वगैरह हो तो डिडक्ट हो जाए BRS बना करके, कि भाई ये कारण, ये डिफरेंस आ रहा है तो ये क्यों आ रहा है। आपको ना जैसे स्कूल वगैरह में आपने BRS बनाया, तो यहाँ पे भी आप करेंगे तो छोटा 5-7-10 ट्रांजेक्शन दे देते आपको BRS बनाना होता है। प्रैक्टिकल जीवन में जब BRS बनाना होगा तो कि ये 5-10 ट्रांजेक्शन होंगे जिसका BRS बनना होगा। प्रैक्टिकल ट्रांजेक्शन, प्रैक्टिकल जीवन में तो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा हो सकते हैं, यस और नो? तो अब उनके लिए BRS बनेगा तो जल्दी फ्रॉड पकड़ में आएगा। आइए पढ़ें, इन पास Many corporate frauds have incurred by the companies through manipulating entries either bank statement में या cash book। लोग manipulate करते थे, for example a company's financial statement may present incorrect bank balance। bank में पड़े थे ₹1,00,000, आपने दिखा दिए ₹5,00,000, जानबूझ के गलत दिखा दी, गलत books बना दी, manipulate कर दिया ताकि investor, potential investor जो है, जो पैसा invest करना चाहे उसको अच्छी picture दिखाई दे, invest कर दे, बेवकूफ बन जाए, to mislead the stakeholder। such kind of instances has made reconciliation, इस तरीके के instances ने reconciliation को एक integral part मतलब एक important part, बहुत जरूरी part बना दिया है। internal control maintained by management, तो BRS रहेगा तो कहीं ना कहीं थोड़ा तो internal control bank से के balance से related तो रहने वाला है। over the period reconciling the accounts become an important activity for the business because it gives an opportunity to check। अपॉर्चुनिटी मिल रही क्या चेक करने के लिए? फ्रॉडलेंट एक्टिविटी हैपनिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो भी अगर कोई फ्रॉड है, ये इवन एरर्स ही क्यों नहीं है, टू प्रिवेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एरर्स। यहां तक बात समझ में आ गई? पक्का? इसके अलावा भी ये थ्योरी हम लोग अगले टर्म पे पढ़ेंगे, बट एक काम और करते हुए चलते हैं, थोड़ा सा ये सब पढ़ूंगा, आप चाहें तो रीड करके आइएगा घर से, बाकी तो हम लोग रीड करेंगे, ये सब पढ़ेंगे। मैं ना एक क्वेश्चन में आपको लेके जा रहा हूँ, सिर्फ आप मेरे को प्लस और माइनस बता देना। अच्छा, आप लोग पास कैलकुलेटर है बेटा? दिखाओ हमको कौन सा है। एग्जाम में अलाउड है, ये सबको पता है ना, एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है, नॉर्मल कैलकुलेटर अलाउड है, साइंटिफिक नहीं अलाउड है, तो एक नॉर्मल कैलकुलेटर आप है तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो कहीं भी मार्केट से आप ले सकते हैं, बहुत महंगा मत लीजिएगा, 100, 200, 300 टाइप वाला ले लीजिएगा, बहुत महंगे की जरूरत नहीं है। दिखा दो हमको एक बार सभी लोग। हाँ ठीक है, ठीक है, इधर नहीं, एक ले लेना मार्केट से कहीं से भी, 100-200 टाइप का, इस तरीके का एक कैलकुलेटर आप कहीं से ले सकते हैं। ठीक है, जिनको लेना है, जो ले चुके हैं वो ठीक है, दोबारा पैसा नहीं बर्बाद करना, जिनको लेना है कहीं से, वो जो जब लेना ना, जहां से भी लेना, तो उसमें बस देख लेना यहाँ पे एक GT लिखा होता है, कुछ कुछ में होता है, कुछ में नहीं होता है, तो जब खरीदना तो देख लेना GT लिखा हो, और इसके अलावा टैक्स वगैरह के बटन वगैरह ना हो, जिनको खरीदना है उनके लिए उतारी, जो खरीद चुके आपके में होगा टैक्स वगैरह, है ना,
आपके में है बेटा, आपके में टैक्स वगैरह के रिटर्न है ना? नहीं है, ठीक है। जिन टैक्स वगैरह ना हो, कई बार एग्जाम में ना वो मना कर देता है ले जाने से अंदर कि इसमें टैक्स वगैरह है, पर उसे कौन बहस करे वहां पे। लेकिन जो खरीद चुके वो छोड़े, जो जिन्होंने नहीं खरीदा वो सिंपल एक नॉर्मल कैलकुलेटर सस्ता खरीद लीजिएगा, वो ब्रांडेड का चक्कर नहीं पड़ना है। और जीटी हो यहाँ पे तो कुछ यूज होगा, बाद में समझाऊंगा क्या होता है, समझाऊंगा। जीएसटी नहीं चले, मतलब अगर खरीद लिया आपने है तो कोई टेंशन नहीं, फिर नहीं बदलना है। जो खरीदने जा रहे हैं जीएसटी नहीं, जीटी, जीएसटी अलग चीज होती है, जीटी ग्रैंड टोटल होता है, जीएसटी होता है गुड्स एंड सर्विस, उसका क्या यूज है बाद में बताएंगे। जीटी का ये जो खरीद रहे हैं उनके लिए बता रहे हैं, जिनको खरीदना है तो वो जीटी देख के खरीद लीजिएगा, बाकी और कुछ नहीं कह रहे। हाँ ये आ गया आपका, हम आपको बस 5 मिनट आपका लेने वाले हैं, एक इलस्ट्रेशन में उसके लिए यहां देख लेना और जितना मैं पूछू उसका बता देना। ये कह रहे हैं फॉलोइंग पर्टिकुलर्स हैं, बीआरएस बनाना है अपने को, बैलेंस कैशबुक का दिया हुआ है, बैलेंस पासबुक का दिया और बीआरएस बनाना है। हमको बता दो बस इतना, जब हम बीआरएस बनाएंगे, अब मैं कराऊंगा आपको, अभी सिर्फ एक धुंधला धुंधला आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जब बीआरएस बनाएंगे तो हम कैशबुक से स्टार्टिंग पॉइंट पकड़ें कि पासबुक से, कि हमारी मर्जी है, हमारी मर्जी है। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा तो हमारी मर्जी है, हम कुछ भी कर सकते हैं। हाँ लेकिन जस्ट उल्टा हो जाएगा, मतलब अगर कोई बच्चा कैशबुक से पकड़ रहा है तो वो चीज अगर ऐड हो रही है और पासबुक से दूसरा बच्चा पकड़ रहा है तो लेस हो जाएगी। अभी के लिए डिस्कस करने के लिए हम कुछ एक मान लेते हैं, आप जो बताएं वो मान लेते हैं। चलो ठीक, तो कैशबुक का स्टार्टिंग पॉइंट पकड़ने और गिनती के ये ट्रांजेक्शन है, बस हाथ पे करके हमको बताना है कि प्लस होगा कि माइनस होगा, बस इतना आज की क्लास के लिए। पहला, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक अमाउंट टू, इतना अमाउंट जितना भी हो, पहले इधर ऐसे हाथ करना पड़ेगा हम लोगों को, शर्म तो नहीं किसी को ऐसे करने में, नहीं ना? ठीक है, हमने चेक इश्यू करी, जैसे चेक इश्यू करी होगी हमने क्या किया होगा, कैशबुक को कम कर लिया होगा, बोले ऐसे कम कर लिया होगा, कम कर लिया कैशबुक, कम कर ली। लेकिन आगे लिखा है बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक, यानी पासबुक चेंज नहीं हुई। आज साल खत्म हो गया, हम रिकंसिलेशन बना रहे हैं, और रिकंसिलेशन में आप क्या कह रहे हैं, क्या स्टार्टिंग पॉइंट पकड़ रहे हैं, कैश, तो कैशबुक वाले हाथ को पासबुक तक ले जाना है। कैसे ले जाएं, क्या करें, ऐड करेंगे, ठीक है जी। दूसरा ट्रांजेक्शन, चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड, चेक डिपॉजिटेड इन बैंक मतलब हमें कहीं से चेक मिली थी कि हमने किसी को दी थी, पहले तो बताओ मिली थी, चलो वापिस वापिस बराबर करो, चेक कहीं से मिली होगी तो हमने कैशबुक में क्या किया होगा, मिलते ही बढ़ा लिया, लेकिन बैंक में अभी तक क्लियर नहीं हुई है पासबुक कितनी कितनी है, और आप कह रहे कैशबुक से चलेंगे, क्या करना पड़ेगा, माइनस करेंगे, वेरी गुड। बैंक चार्जेस 300, बैंक ने चार्जेस लगाए तो क्या हुआ होगा, पासबुक कम हो गई, हमने कुछ किया नहीं, साल खत्म हो गया, आज बीआरएस बना रहे हैं, कैशबुक से चलना है, क्या करना पड़ेगा, माइनस कर देंगे, वेरी गुड। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाई बैंक अमाउंट 1250, क्रेडिटेड मतलब होता है मिलना, डेबिटेड मतलब होता है देना, इसमें भी अगली क्लास में चर्चा करूंगा। तो इंटरेस्ट बैंक ने हमको दिया, तो बैंक ने जैसे सेविंग अकाउंट वगैरह में आपने देखा होगा ना ब्याज मिलता है, तो बैंक वाले पासबुक में डाल देते हैं, हमें बाद में पता चलता है, तो बैंक ने 1250 का ब्याज जब दिया तो पासबुक क्या हो गई, होगी ऐड हो गई, हमने कुछ किया नहीं, साल खत्म हो गया, रिकंसिलेशन कर रहे हैं, कैशबुक से चल रहे हैं, क्या करें, ऐड कर देंगे, वेरी गुड। कैलकुलेटर आप सबके पास है, बस एक काम करो, 240,000 में ही जो आपने बताया प्लस माइनस करके देखो पासबुक के बैलेंस आ रहा है कि नहीं, बस इसी को अगली क्लास में सही से प्रेजेंट करना सीख लेंगे, थ्योरी पढ़ लेंगे, सब होता चला जाएगा। 240,000 प्लस 1,36,000 माइनस 90,000 माइनस 300 प्लस 1250 इज इक्वल टू 286,950 इज ऑन है, ये करना है बस, इसी को देखो इस तरीके से प्रेजेंट करना है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऊपर हेडिंग डाल लेंगे, एक पर्टिकुलर्स अमाउंट बैलेंस एज पर कैशबुक 240,000, हाँ ऐड वाले सारे एक साथ लिखते, ऐड में जो जो है वो ऐड लिख दिए, उसके बाद लेस वाले लिख दिए, और फिर बैलेंस एज पर पासबुक आ गया, सही से प्रेजेंट करके एग्जाम में दिखा देंगे। अब हमें क्यों लग रहा है आपके अंदर से ऐसी आवाज आ रही है कि सर इसको होमवर्क में दे दो, हम करके आएंगे। तो आपके दो होमवर्क है, एक होमवर्क है आप थ्योरी एक बार रीड करके आएंगे, डाउट भी जो हो ना उसको लिख के लाना, मार्क करके लेके आना, जितने डाउट आ जाए सब लिख लेना। याद रखना मेरी एक बात को, जिस दिन जीवन में सीए बन जाओगे उस दिन ऐसा नहीं होता कि डाउट खत्म हो जाते हैं, डिग्री मिलने से आप वही रहने वाले हो, लेकिन फिर किसी से पूछ नहीं पाओगे। जब सीए बन जाओगे तब तो किसी से पूछोगे क्या, तब शर्म आएगी, सामने वाला भी कहेगा पागल कैसा सीए, अभी शर्म हटा दो, अभी तो सीए करने निकले हो। नहीं तो कई बार क्या होता है ना, बड़े छोटे छोटे डाउट होते हैं वो जिंदगी भर हमने किसी से पूछे ही नहीं, तो डाउट पे डाउट ही बने हुए हैं, हम शर्माते रह गए, शर्माते शर्माते दिक्कत ये, हम सीए बन भी गए, फिर अब किससे पूछे, डिग्री मिलने के बाद किसी से कुछ नहीं पूछ पाओगे। हाँ किससे पूछ पाओगे, साथ के जो बने हुए होंगे, आप समझे, इसमें पूछने में ना आप सीनियर से पूछ पाओगे,
ना जूनियर से ज्यादा पूछ पाओगे। खैर, तो केवल दो काम करके आने, एक वो थ्योरी, दूसरा ये इलस्ट्रेशन टू कराया मैंने, वन अभी नहीं कराया, आप चाहो तो पढ़ के आना, कोई टेंशन नहीं, वो भी इजी है, और टू को कॉपी में कराना। आपने सबने एक रजिस्टर वगैरह कुछ बनाया है, एक ही बनाया है जैसे स्कूल में होता था, इंग्लिश हिंदी मैथ्स सबके, मतलब सारे सब्जेक्ट के एक ही रजिस्टर है, अलग 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 एक सुंदर सा रजिस्टर अपने को बनाना है ना, अपने को खूब रजिस्टर्स भरने हैं, खूब सारे, खूब बढ़िया बढ़िया रजिस्टर भरने हैं, बढ़िया बढ़िया, मतलब अब भले ही वो किलो वाले खरीद लो, हमें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जितने आप रजिस्टर भरोगे ना, उतने कम एग्जाम में भरना पड़ेगा, उतनी कम बार जाना पड़ेगा, शायद ही आपको बाद में समझ में आएगा, कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच।